हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू जमंत्रा। मैं रविश, फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड, और हम लोग पहुंच गए हैं पार्ट थ्री में। लेकिन पार्ट थ्री क्या है, आज क्या स्टडी करने वाले, उसके लिए पहले देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था, उसका थोड़ा सा एक रिविजन करेंगे। सिस्टमैटिक स्टडी किया था। सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। तो तीन चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर आपको सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है और उसको नाम दिया जाता है, साइंटिफिक नेम दिया जाता है ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये तीनों काम किया जाता है इस तरह ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी मतलब उनके बीच का जेनेटिक रिलेशनशिप, हमें समझना चाहिए कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे डेवलप हुआ, कौन किसका नजदीक का रिश्तेदार है, कौन दूर का रिश्तेदार है, इसको स्टडी करेंगे। और इस क्लासिफिकेशन के लिए एक स्पेशल एजेंसी वर्ड फील्ड है जिसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी मींस द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, फिर लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि हर पर्सन अगर अलग अलग तरीके से स्टडी करेगा तो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। तो देयर मस्ट बी सम रूल और रेगुलेशन बाय व्हिच यू कैन से द क्लासिफिकेशन इज डन। केमिस्ट्री में हमने देखा है कि ऑल द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ मोस्टली यू कैन सी व्हाट पीरियोडिक टेबल लोग स्टडी करते। और टैक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन के बेसिस पे फिर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक एक्यूरेट यू कैन सी व्हाट यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम मिल जाता है, जो बायोलॉजिकल नेम भी कहलाता है। और वो ऑलमोस्ट यू कैन सी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी व्हाट शो करता है। तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि टैक्सोनॉमी के वो कौन से सिस्टम है, बेसिक सिस्टम क्या है, ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई किया जा सके, ताकि एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड इन वन गो। नाउ क्योंकि इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अल्टीमेटली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिलता है उसका यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम। तो चलिए रेडी होते हैं आज के सेशन के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अभी व्हाट इज कैटेगरी, सिंपल मतलब होता है ग्रुप होता है, लेकिन इट्स वेल डिफाइंड ग्रुप्स। यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो डायरेक्टली एक ग्रुप में नहीं डिवाइड करते हैं। तो एक ग्रुप में एक एजेंसी डाला जाता है, फिर उसको डिवाइड करके ग्रुप्स बनाते हैं, फिर उसको डिवाइड करके ग्रुप्स बनाते हैं। तो अल्टीमेटली एक एजेंसी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में अरेंज किया जाता है। दिस अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। सिस्टमैटिक पोजिशन हर ऑर्गेनिज्म का समझ में आता है कि भाई अगर बोलेंगे कि भाई किंगडम, एक ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम को बिलोंग करता है, कौन से क्लास, ये सब टर्म आपको मालूम होगा किंगडम। हम लोग क्लास के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, फाइलम के हिसाब से कर सकते हैं, जीनस के हिसाब से कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट का वो कौन सा स्पीशीज है, किस स्पीशीज में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आपको एक ऐसी ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसके बारे में नेचुरली वी हैव टू स्टडी टुडे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है ये आपको सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, जिसमें प्लांट एजेंसी बेसिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं वो, और देन प्लांट एजेंसी किंगडम और एनिमल किंगडम में नेचुरली जितने भी एग्जाम्पल हो गए उनका भी क्लासिफिकेशन आपको आ सकता है। और अगर आप नीट दे रहे हैं तो दिस आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पर बहुत सारे एजेंसी, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन नीट में आते हैं इस चैप्टर में वो इसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए रेडी हो जाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक 1.3 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अगेन अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्सोनॉमी। जो लास्ट टाइम मैंने किया था डिटेल में किया था। तो टैक्सोनॉमी एज वी नो इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में based on certain rules or principle. तो ये सारे rules and principles already been defined by the biologist. तो आज जितने भी last time भी बताता है, जितने भी living organism अभी अब discover होते हैं, तो उसको taxonomy के rules के हिसाब से अलग अलग groups में क्या है place किया जाता है। तो ये term taxonomy हमको मालूम है, APJ Condol, Swiss botanist ने सबसे पहले introduce किया, लेकिन ये develop किया एजेंसी taxonomy field को, इस branch को आपका कार्लस लिनिस ने। जिन्होंने सबसे पहले अपने नाम को ही शॉर्ट में लिखा था, मैं मालूम है कार्ल लिन, तो कार्लस लिनिस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और उनके ही यू कैन सी जो आपके प्रिंसिपल है या जो नियम है, तो सबसे पहले शुरुआत के जितने भी नियम्स है, यानी कि ही कैन बी कॉल्ड एज द पायोनियर। तो आपको ऐसा अगर नीट पहले हु इज द पायोनियर ऑफ द टैक्सोनॉमी, तो आपके कार्लस लिनिस इज द पायोनियर ऑफ टैक्सोनॉमी।
तो चलिए, तो इसका मतलब है हमें जो सिस्टम स्टडी करना है क्लासिफिकेशन का, इट वॉज गिवन बाय कार्ल लिन, तो उसको लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. ओके, तो पहले देखते हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सिस्टम. ओके, देयर इज अ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इन डिस्टिंक्ट कैटेगरी, ए वेल डिफाइंड कैटेगरी में उनको डाला जाता है इन अकॉर्डिंग विद ए पर्टिकुलर एंड वेल एस्टेब्लिश्ड प्लान. तो ये प्लान पहले से ही लेनियस और बाकी साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप कर लिया था, हमें खाली उसको मॉडिफाई किया, उसमें एडिशंस किया है. ओके, यानी कि जो बेसिक एकेंसी कोर है वो पहले से तैयार है. एंड दिस क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, कौन से आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में बांटना है, तो उसके लिए वी हैव टू फर्स्ट कैरेक्टराइज द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हमको मालूम है टैक्सोनॉमी में सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन होता है, तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, उनके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को क्या है नोट डाउन करते हैं. क्योंकि अगर देर आर 10 एनिमल्स और प्लांट्स केप्ट इन ओनली वन ग्रुप, 10 एनिमल्स और 10 प्लांट्स एक ग्रुप में होगा, एनिमल का ग्रुप अलग होगा, प्लांट का ग्रुप अलग होगा. ओके, क्योंकि लेनस ने सबसे पहले एक्चुअली पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया था, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. ओके, सो ही इज आल्सो यू कैन सी द पायोनियर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द यू कैन सी लिविंग वर्ल्ड. ओके, तो उसके सिस्टम को भी उन्होंने ही तैयार किया. ओके, तो अभी देखो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए और प्लांट और एनिमल के बीच में डिसिमिलैरिटी होती है, तो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी हम लोग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं. ओके, तो एक ग्रुप अगर बनता है तो उसमें नेचुरली जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब में कम से कम एक चीज कॉमन होनी चाहिए. ओके, और अगर दूसरा ग्रुप बन गया है तो दोनों ग्रुप में कम से कम एक डिसिमिलैरिटी होनी चाहिए, यूनिक एकदम क्लियर कट डिसिमिलैरिटीज होनी चाहिए. ओके, तो जनरली इट इज बेस्ड ऑन आइदर एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, न्यूट्रिशनल प्रोसेस, तो बहुत सारे एस्पेक्ट जो लास्ट टाइम ने कैसे टच किया था. ओके, तो चार एक्चुअली एस्पेक्ट्स है, एक तो सेल कौन से टाइप का होता है, फिर एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स होते हैं, फिर उनका रोल नेचर में उनका रोल क्या है वो. ओके, ये सब इंपॉर्टेंट चीज और क्लास में किया था. तो क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप. जनरली जैसे आप अगर आपके पास बर्तन है तो हमको हम उसको क्या है अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते, तो एक ही लेवल पे बांट देते, चम्मच अलग, एक ऐसी थाली अलग, एक ऐसी बांट देते, लेकिन उसको फर्दर क्लासिफाई नहीं करते और करते भी है छोटा चम्मच अलग बड़ा चम्मच अलग ऐसा करते हैं. लेकिन क्लासिफिकेशन जो है मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप, तो इसमें इन्वॉल्व होता है हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच Each step represents a rank or category. बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो ये जो कंसेप्ट है ये आज आपको समझना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई किया जाता है तो जितने भी ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं they are arranged in a sequence. ओके, नहीं बड़े ग्रुप से, शॉर्ट में बताता हूँ, बड़े ग्रुप से स्टार्ट होके छोटे ग्रुप में हम लोग क्या है ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, यानी कि पहले बड़ा ग्रुप बनाते हैं उसको डिवाइड करते हैं छोटा ग्रुप, फिर हर ग्रुप को डिवाइड करते हैं उससे छोटे ग्रुप बनते हैं, ये होते होते सबसे छोटा एक इंसिवॉर्ड ग्रुप बन जाता है. ओके, तो इसी को स्टडी करना है और हर लेवल जो है इट्स जस्ट लाइक यू कैन सी रैंकिंग सिस्टम. ओके, जैसे पुलिस में रैंकिंग सिस्टम होते हैं, आईजी इंस्पेक्टर जनरल सबसे टॉप के और सबसे नीचे लोएस्ट लेवल का कौन होता है आपका यू कैन सी कांस्टेबल. ओके, तो बीच में इन दोनों के बीच में जितने भी यू कैन सी रैंक्स है ओके वो क्या होते हैं दे आर, यानी कि अगर आप कांस्टेबल से आईजी बनना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली तो बनेंगे नहीं, आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेंगे, हेड कांस्टेबल से आप फिर एकेंसी इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर सब इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर इंस्पेक्टर बनेंगे, तो इस तरह अल्टीमेटली आपका प्रमोशन होते होते आप एकेंसी आईजी बन सकते हैं. तो सेम वे लेनिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो मॉडर्न सिस्टम भी हो गया है क्योंकि उसको मॉडिफाई किया गया है. ओके, इसी सिस्टम को यूज करके हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली क्लासिफाई किया जाता है, तो अलग अलग लेवल्स पे क्लासिफाई किया जाता है. इसके लिए आज ध्यान से एकेंसी टॉपिक को पढ़िए क्योंकि दिस विल बी नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर एकेंसी व्हाट बेसिक्स बट नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ तो एवरी ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स और ऑक्यूपाइज ए स्पेसिफिक प्लेस और पोजिशन इन दिस सिस्टम ऑफ वर्ल्ड क्लासिफिकेशन. तो इस सिस्टम के हिसाब से जब हम लोग ये एकदम ट्री जैसा बन जाता है, यानी कि एक फैमिली ट्री जैसा बन जाता है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक फिक्स पोजीशन तैयार हो जाता है. ओके, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. ओके, चलिए, तो हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इज वेरियस कैटेगरीज. तो ये जो आपको दिख रहा है किंगडम, फाइलम या डिविजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, दे आर द मेन कैटेगरीज जिसमें ऑर्गेनिज्म्स को अरेंज किया जाता है. एंड अभी जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है तो सबसे पहले किंगडम, यानी कि कोई भी एनिमल है सबसे या प्लांट है उसका सबसे पहले किंगडम डिफाइन करते हैं, किंगडम के बाद उसका फाइलम या डिवीजन डिफाइन होता है, फिर उसका क्लास डिफाइन होता है, फिर उसका ऑर्डर डिफाइन होता है, फिर फैमिली डिफाइन होता है, फिर जीनस डिफाइन होता है और लास्ट में फिर डिफाइन होता है
वो कौन से स्पीशीज के ग्रुप में है. ओके, तो इसी को हमको स्टडी करना है. एंड ये सात सबसे फंडामेंटल ग्रुप्स है. ओके, तो टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज. जो कैटेगरी आपके सामने दिख रहा है, ओके, और ये जो कैटेगरीज आपको दिख रहे हैं, दे आर अरेंज इन, यू कैन सी, डिक्रीजिंग ऑर्डर. यानी कि सबसे बड़ा ग्रुप है आपका किंगडम, फिर फाइलम या डिवीजन. अभी फाइलम या डिवीजन क्या है, तो कार्ल लिनिस के टाइम पे उन्होंने दो ही, यू कैन सी व्हाट, आपके यू कैन सी व्हाट किंगडम तैयार किए थे. तो पहला किंगडम था प्लांट और दूसरा किंगडम था एनिमल किंगडम. तो प्लांट किंगडम को जब डिवाइड किया, यानी कि किंगडम प्लांट के ग्रुप को जब डिवाइड किया, तो नेक्स्ट ग्रुप जो बना वो है डिवीजन. और एनिमल को जो उसने क्लासिफाई किया, तो एनिमल के ग्रुप को, एनिमल के किंगडम को डिवाइड करने के लिए जो टर्म यूज किया ग्रुप को, उसको फाइलम कहते हैं. यानी कि फॉर एनिमल किंगडम के बाद फाइलम आता है, एंड फॉर प्लांट किंगडम के बाद जो ग्रुप तैयार होता है उसको कहते हैं डिवीजन. यानी कि अगर मैं किसी एनिमल को क्लासिफाई कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, किसी एनिमल को क्लासिफाई कर रहा हूँ, तो सबसे पहले उसका किंगडम होगा एनिमल, उसके बाद में फाइलम डिफाइन होगा, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर उसका फैमिली, फिर उसका जीनस, और लास्ट में उसका स्पीशीज. लेकिन अगर मैं किसी प्लांट को क्लासिफाई कर रहा हूँ, तो आपका किंगडम, किंगडम के बाद डिवीजन, उसके बाद में क्लास, उसके बाद में ऑर्डर, उसके बाद में फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ओके, तो ये सात सबसे फंडामेंटल कैटेगरीज है. ओके, इसके हिसाब से आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है. ओके, तो इसके लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कि हर ऑर्गेनिज्म के सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को भी स्टडी किया जाता है, उनके बिहेवियर को स्टडी करता है. और क्योंकि ये जो कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यही डिफाइन करता है कि उनको किस ग्रुप में रखा जाए. ओके, जैसे सारे प्लांट प्लांट ग्रुप में क्यों है, क्योंकि उनके पास एक फंडामेंटल एकेंसी व्हाट कैरेक्टर है, कि दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. और एनिमल सारे एक ग्रुप में क्यों है, क्योंकि दे हैव वन कॉमन कैरेक्टर दैट दे आर एबल टू मूव, एंड दे आर एकेंसी नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे हैव टू ऑब्टेन द फूड, डाइजेस्ट द फूड इनसाइड. ओके, तो ये सब यू कैन सी बेसिक कैरेक्टर होते हैं, जिसके बेसिस पे ये ग्रुप्स हम लोगों ने तैयार किया है, साइंटिस्ट लोगों ने पहले से दिया, हम तो खाली क्या है, लर्न कर रहे हैं. ओके, नाउ तो इसका मतलब है द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कहते हैं. तो वर्गीकरण, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप किस किंगडम में डालोगे, फिर उस किंगडम में किस फाइलम में डालोगे, उस फाइलम के किस क्लास में डालोगे, उस क्लास के किस ऑर्डर में डालोगे, उस ऑर्डर के किस फैमिली में डालोगे, उस फैमिली के किस जीनस में डालोगे, उस जीनस के किस स्पीशीज में डालोगे, ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म के पास कौन सी सिमिलैरिटी और दूसरे ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिससिमिलैरिटी मिलती है. ओके, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कैटेगरी, यानी कि ये जो लेवल्स डिफाइन हुए, इसको क्या कहते हैं, द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द टैक्सोनॉमी का जो है. ओके, टैक्सोनॉमी के जितने लेवल्स है, उन सब लेवल्स को हम लोग कैटेगरी कहते हैं. ओके, तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी इज द रैंक, उसको रैंक भी कहते हैं या लेवल भी कहते हैं. ओके, इन द हायरार्की, एक स्पेशल वर्ड यहाँ पे देखो, हायरार्की का मतलब होता है, इसको ऐसे बोलते हैं फैमिली ट्री. जैसे दादाजी, अभी जैसे दादाजी, दादाजी की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, ओके, पिताजी को मिलेगी. पिताजी की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, आपको मिलेगी. आपकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, आपके बच्चे को मिलेगी. आपके बच्चे के प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, आपके बच्चे का बच्चे को मिलती है. तो इसको एक ऐसी हम लोग कहते हैं हायरार्की कहते हैं. क्या कहते हैं, हायरार्की. ओके, तो इसमें देखो दादाजी बड़ा लेवल है, उसके बाद में पिताजी छोटे लेवल है, उसके बाद में यू कैन सी आप उससे छोटे लेवल है, आपके जो यंग वन आएंगे वो उससे छोटे लेवल का हो गए. ओके, तो इस तरह नेचुरली क्या हो रहा है, ओके, द थिंग्स, जो भी चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है. ओके, चलिए नाउ, तो देयर आर सेवन, अभी मैंने पहले बताया, हाँ, तो इन कैटेगरीज जो सेवन होने चाहिए, यानी कि अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हो, तो उनको ये सात कैटेगरीज में आपको प्लेस करना है. यानी कि ये सात कैटेगरी कंपलसरी आपको तैयार करना है. इसके लिए उसको प्राइमरी मतलब मेन, ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी कैटेगरी. तो बी केयरफुल, मैंने आपको पहले बोला नीट अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर जो टर्म जनरली आपके टेस्ट बुक में यूज होता है उसका अल्टरनेट टर्म क्या हो सकता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए. ओके, क्योंकि जैसे टेस्ट बुक में दिया होगा देयर आर सेवन प्राइमरी या कंपलसरी, तो कंपलसरी की जगह पे ऑब्लिगेट आएगा, प्राइमरी आएगा, आप बोलोगे रॉन्ग है, नहीं. ओके, तो प्राइमरी मतलब मेन या ऑब्लिगेट या कंपलसरी कैटेगरी होने चाहिए. और वो कैटेगरीज आपको पहले से बता दिया आपको मैंने, किंगडम के बाद डिवीजन या फाइलम. डिवीजन किसके लिए, अगर आप प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हो तो डिवीजन, और एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हो तो फाइलम. फिर उसके बाद में क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर जीनस आएगा, और लास्ट में सबसे छोटा जो ग्रुप बनता है उसको हम लोग कहते हैं स्पीशीज. ओके, और फिर अगर जरूरत पड़ गया, यानी कि सपोज आपका किसी एनिमल या किसी प्लांट का जो क्लास है, जिस क्लास को बिलोंग करता है, बहुत ही बड़ा है,
में बहुत ही ज्यादा वैरायटी है तो फिर उसको डायरेक्टली ऑर्डर में डिवाइड नहीं करते। अभी मैं आपको वैकेंसी बोर्ड पे भी इसको अंडरस्टैंड कराऊंगा। ओके, तो क्लास को फिर डायरेक्टली ऑर्डर में डिवाइड नहीं करते, क्लास और ऑर्डर के बीच में एक और ग्रुप तैयार किया जाता है। ओके, यानी कि क्लास से छोटा लेकिन ऑर्डर से बड़ा ग्रुप, तो उसको सब क्लास कहते हैं। ओके, हम लोग देखेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट इट। तो जैसे वैकेंसी सब किंगडम, किंगडम बहुत बड़ा है तो डायरेक्टली डिवीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो किंगडम और डिवीजन के बीच में सब किंगडम आएगा। ओके, जो क्लास से बड़ा लेकिन फाइलम से छोटा फिर उसको सुपर क्लास कहते हैं। ओके, क्लास से छोटा ऑर्डर से बड़ा ग्रुप उसको सब क्लास कहते हैं। ओके, तो इस तरह सब ऑर्डर सब फैमिली तो वो तैयार किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि लिविंग जो हम जो साइंटिस्ट है जो उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं उसको एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह उन्हें डिफ्रेंशिएट करना है। क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि हर ऑर्डर हर ग्रुप में हर कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिज्म्स है उन सब ऑर्गेनिज्म में कम से कम एक फंडामेंटल क्या है सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ओके, और उनमें अगर कोई सिमिलैरिटी दिखी तो फिर उसके हिसाब से हम लोग उसको क्या है फर्दर ग्रुपिंग कर देते हैं। इट जस्ट लाइक सॉर्टिंग आउट। ओके, जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो लेटर एक पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे एक जगह से आता है, कलेक्ट होता है, फिर उसको क्या किया जाता है अलग अलग ग्रुप में एरिया का वाइज डिवाइड किया जाता है। तो इधर भी ऐसा ही है। ओके, सो तो ईच कैटेगरी, तो हर कैटेगरी जो है हर लेवल जो है और रैंक जो है उसको कहते हैं द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, चलिए अब देखते हैं कि फंडामेंटल कौन है। तो सेवन वेल डिफाइंड कंपल्सरी कैटेगरीज कौन कौन से, उनको रैंक्स लेवल टैक्सा भी कहते हैं, उसको टैक्सोनॉमी कैटेगरीज भी कहते हैं। ओके, दे आर अरेंज्ड। अभी देखिए, अभी जब क्लासिफिकेशन आपको पूछा जाएगा तो जनरली जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है वो है बड़े ग्रुप से छोटा ग्रुप तैयार करना, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, यहाँ पे बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप में आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करना है ऑफ देयर रैंक्स या लेवल। यानी कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा ग्रुप है, यानी कि वी विल डिफाइन कौन से ग्रुप है वो देखते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहला ग्रुप यानी कि कोई भी एनिमल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिला नया तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि वो कौन से किंगडम को बिलोंग करता है। तो एकदम एक बार आपने इंश्योर कर लिया तो वो किस किंगडम को बिलोंग करता है, उसके बाद में आपको फाइंड करना है कि इस किंगडम के कौन से डिवीजन, फिर उसका क्लास डिफाइन होगा, फिर उसका ऑर्डर डिफाइन होगा, फिर फैमिली डिफाइन होगा, फिर जीनस डिफाइन होगा, और लास्ट में वो कौन से प्रजाति को बिलोंग करता है, स्पीशीज, जो सबसे छोटा एजेंसी वर्ड ग्रुप बन जाता है फाइनली वो डिफाइन होता है। तो ये सात जो है सबसे कंपल्सरी कैटेगरीज है। ओके, जैसे अगर मैं ह्यूमन को क्लासिफाई करना चाहता हूँ तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल बाद में देखने वाले कि ह्यूमन को इसके हिसाब से कौन से एजेंसी कैटेगरीज में रखा गया है। ओके, तो ह्यूमन का किंगडम कौन सा है, फिर उस किंगडम में डिवीजन कौन सा है, फिर उसमें क्लास कौन सा है, फिर ऑर्डर कौन सा है, फिर फैमिली कौन सा है, और जीनस कौन सा है, लास्ट में स्पीशीज मिल जाता है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि लास्ट के जो दो ग्रुप है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, याद होगा, टू टर्म नेमिंग सिस्टम। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है वो कौन से बेसिस पे दिया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लासिफाई करना है। ये जो लेनियस सिस्टम है, ओके, कि पहले किंगडम बताओ, फिर डिवीजन बताओ, फिर क्लास बताओ, फिर उसका ऑर्डर बताओ, फिर उसका फैमिली बताओ, उसका जीनस बताओ, फिर स्पीशीज बताओ, तो उसके हिसाब से फिर ये लास्ट के जो दो ग्रुप बन जाएंगे। ओके, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस जीनस को बिलोंग करता है वो उसका स्पेसिफिक नेम है, और जिस स्पीशीज को बिलोंग करता है वो उसका एपिथेट है या एडजेक्टिव है। ओके, इजंट इट, तो उसके हिसाब से फिर उसका साइंटिफिक नेम बन जाता है। ओके, इसका मतलब हमने देखा था लास्ट टाइम ह्यूमन का जीनस है होमो और उसका स्पीशीज है सेपियन। इसके लिए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम becomes homo sapiens, okay? Actually, true sense में अभी human का तो scientific name है, वो अभी change करके हो गया है homo sapiens sapiens, okay? तो ये हमें vision 2022 में इस aspect को हम लोग देखने वाले हैं, okay? चलिए, अब ये जो order है, इसमें है बड़े से, यानी कि kingdom सबसे बड़ा हो गया dumdum kingdom और सबसे छोटा हो गया species, तो kingdom is the highest you can see level and species is the lowest level, okay? यानी कि अगर आप जैसे बोल सकते हैं कि भाई आपका पुलिस में जो रैंकिंग है तो किंगडम बोल सकते हैं वो आईजी लेवल हो गया और स्पीशीज हो गया आपका कांस्टेबल लेवल हो गया। ओके, सबसे छोटा ग्रुप, यानी कि देखिए आईजी के अंदर बहुत सारे डीआईजी होते हैं, इजंट इट, ओके, उसके अंदर फिर आपके सीपी होते हैं, उसके बाद में डीसीपी होते हैं, फिर है ना, तो इस तरह का क्लासिफिकेशन होता है। ओके, चले अभी अगर कोई किंगडम, मैंने बताया कोई किंगडम बहुत बड़ा है तो उसको डायरेक्टली डिवीजन में कन्वर्ट नहीं करते तो सब किंगडम बनाया जाता है, फिर सब किंगडम को डिवीजन में कन्वर्ट करता है, फिर डिवीजन बढ़ा है तो सब डिवीजन होगा, फिर सब क्लास, क्लास और ऑर्डर के बीच में सब क्लास, ऑर्डर और फैमिली के बीच में सब ऑर्डर, फिर फैमिली और जीनस के बीच में सब ऑर्डर, ओके, तैयार किया जाता है। ओके, नाउ अभी यहाँ पे देखिए, अभी ये जो क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है ये सीक्वेंस, ये प्लांट के हिसाब से, अगर एनिमल
के हिसाब से होता, तो एनिमल के हिसाब से होता, तो आपका ये डिवीजन की जगह पे, एक मिनट आई विल राइट हियर, तो अगर हम लोग एनिमल को क्लासिफाई कर रहे होते तो यहाँ पे नेचुरली डिवीजन के जगह पे आपका हो जाता फाइलम, ओके, यहाँ पे फाइलम हो जाता, और फिर सब डिवीजन के जगह पे हो जाता आपका सब फाइलम हो जाता। तो ये जो एस्पेक्ट है ये आपके लिए देखे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप प्लांट एजेंसी क्लासिफिकेशन या प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम वाले चैप्टर्स, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर जब आप स्टडी करोगे तो इसमें ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ओके आगे बढ़ते हैं, ओके? Now, इसमें, तो इस पूरे एजेंसी प्रोसेस में किंगडम को सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है, लार्जेस्ट यूनिट, और स्पीशीज को सबसे छोटा यूनिट माना जाता है ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके? तो ऑल ऑफ देम आर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम सबसे बड़ा यूनिट और स्पीशीज सबसे छोटा यूनिट क्लासिफिकेशन का माना जाता है, ओके? चलिए नाउ अभी इसका मतलब अभी मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं, तो कि इसका बेसिक मतलब फंडा क्या है, ओके? तो ये कैटेगरी का फंडा क्या है, ओके? तो कैटेगरी का फंडा ऐसा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, यू गॉट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग सबसे पहले अलग अलग किंगडम में क्या है डिवाइड कर देते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको मैंने क्या किया, दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। तो उसके लिए ये हो गया आपका एक पहला किंगडम, किंगडम वन, और ये हो जाएगा आपका किंगडम टू, ओके? तो इसका बेसिस क्या है, एक ऑर्गेनिज्म को मैं के वन में रख रहा हूँ या के टू में, तो उसके लिए नेचुरली मुझे डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए, ओके, समझा? तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, के वन जो है वो है आपका प्लांट, और के टू हो गया आपका वर्ड एनिमल, यानी कि ऑल द ऑर्गेनिज्म विच आर प्लांट विल बी केप्ट इन द ग्रुप के वन एंड के टू विल बी फॉर द एनिमल। तो एक्चुअली लिनस ने जो सबसे पहला सिस्टम बनाया वो यही था, इसी को आपको नेक्स्ट एजेंसी चैप्टर में पढ़ना है, जिसको कहते हैं टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम व्हाट सिस्टम माना जाता है इसको, ओके, जिससे क्लासिफिकेशन की ओरिजिनल साइंटिफिक तरीके से शुरुआत हुई थी, ओके, और जो मॉडर्न तरीका है वो आपको पढ़ना है, मॉडर्न वो है आपका फाइव किंगडम सिस्टम, इसको हम लोग टच करेंगे अभी, ओके, फाइव किंगडम सिस्टम। तो हम लोग फाइव किंगडम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, शुरुआत हुई थी टू किंगडम से, दो किंगडम के बाद फिर थ्री किंगडम सिस्टम बना, ओके, तो टू किंगडम से मॉडिफाई होके थ्री किंगडम, फिर फाइव किंगडम, अभी जो एकदम मॉडर्न जो है, मॉडर्न मतलब अपडेट करेंगे तो टोटल आठ किंगडम डिफाइन हो गए, आठ किंगडम्स डिफाइन हो गए, ओके, तो वो तो आपका बहुत हायर लेवल का है, हमको खाली फाइव किंगडम सिस्टम एक्चुअली स्टडी करना है, ओके, नाउ अब देखें, तो फिर अभी देखिए, अभी मैं प्लांट्स और एनिमल को ग्रुप को अलग कर दिया, ओके, फिर प्लांट ग्रुप देखते हैं उसमें कोई डिफरेंस है, उसके हिसाब से हमें प्लांट को डिवाइड करना है। सो बन मैंने सारे प्लांट को फिर से दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो ये जो अभी ग्रुप बनेगा इस ग्रुप को हम लोग कहेंगे प्लांट के हिसाब से डिवीजन होता है, तो एक हो गया डिवीजन वन, ये हो गया डिवीजन टू, और अगर आप एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हो तो इसको फिर आपको फिर से सपोज दो ग्रुप मैंने बना दिया, ओके, तो मुझे डिफरेंस एनिमल में दिखा, एक डिफरेंस के हिसाब से मैंने कुछ एनिमल्स को रखा है एजेंसी ऑफ, तो एनिमल को जब क्लासिफाई करेंगे, किंगडम को जब आप डिवाइड करते हो तो क्या बनता है, फाइलम बनता है, तो पी वन और आपका पी टू, ओके, फिर जितने भी अभी प्लांट की बात करते हैं, अभी हम लोग एनिमल को स्किप करते हैं तो प्लांट की बात करते हैं, तो अगर मैं फिर डी वन में देखूंगा तो उसमें भी वैरायटी देखेंगे, डी टू में भी वैरायटी देखेंगे, तो इस वैरायटी में कोई एक डिफरेंस देखेंगे उसके हिसाब से मैं डी वन मतलब आपका डिवीजन वन को डिवाइड कर दूंगा, तो किसमें डिवाइड करूंगा, एक द रूल्स क्लास वन में और क्लास टू में, ओके, फिर डी टू को भी अगर मैं देखूंगा तो उसमें भी अगर डिफरेंस है तो उसको भी मुझे डिवाइड करना है, तो उसको भी डिवाइड करूंगा मैं क्लास में, लेकिन फिर क्लास का नंबर क्या होगा, सी वन सी टू तो तैयार हो गया है, तो मुझे इसको नाम देने के बाद सी थ्री और ये हो गया सी फोर, ओके, फिर सी वन को चेक करूंगा, सी वन में जितने भी प्लांट्स है उनको क्लासीफाई करूंगा, तो उनको क्लासीफाई करूंगा तो अल्टीमेटली फिर से सपोज दो ग्रुप बन गए, तो इस ग्रुप को मैं क्या नाम दूंगा, ऑर्डर वन, फिर ऑर्डर टू, ओके, फिर उसके हिसाब से सी वन सी टू को अगर मैं क्लासिफाई करूंगा तो ऑर्डर थ्री ऑर्डर फोर ऑर्डर फाइव ऑर्डर सिक्स ऑर्डर सेवन ऑर्डर एट आएगा, फिर सपोज ऑर्डर वन जो है उसको मैं चेक करूंगा, उसमें डिफरेंसेस दिख रहा है, उसको मैं डिवाइड करूंगा दो ग्रुप में, ये ग्रुप क्या बन जाएगा आपका फैमिली वन फैमिली टू, ओके, फिर फैमिली टू को अगर मैं चेक करूंगा उसमें डिफरेंस है तो बन जाएगा उसके दो ग्रुप बनेंगे जीनस वन जीनस टू, करेक्ट नो, फिर जीनस टू में सपोज एजेंसी बहुत ज्यादा वैरायटी है तो उसको मैं क्लासिफाई कर दूंगा इनटू स्पीशीज वन
एंड आपका स्पीशीज टू। ओके, तो सबसे छोटा, देखो हर ग्रुप के साथ ऐसे होगा, सी टू के भी साथ ऐसा ही डिवीजन होता रहेगा, सी थ्री के साथ भी ऐसा ही डिवीजन होता रहेगा, हर ग्रुप के साथ ऐसा डिवीजन होता रहेगा। ओके, और फिर बन जाएगा आस्क में सबसे छोटा ग्रुप, स्मॉल वैकेंसी वार्ड ग्रुप बन जाएगा। ओके, स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट ग्रुप बनेगा, और इसे स्मॉलेस्ट ग्रुप को हम लोग स्पीशीज कहते हैं। लेकिन देखिए, तो ये हो गया आपके कैटेगरी, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले किंगडम डिफाइन होगा, फिर प्लांट है तो डिवीजन, फिर क्लास डिफाइन होगा, फिर ऑर्डर होगा, फिर फैमिली होगा, फिर जीनस होगा, फिर स्पीशीज होगा। इधर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई प्लांट मुझे मिला एक्स, उसको अभी मुझे क्या है कैटेगराइज करना है, तो मैं देख रहा हूँ ये प्लांट जो है किंगडम वन में है। ओके, तो प्लांट है तो किंगडम वन में, के वन में है, तो के वन के अंदर वो डी वन में है, डी वन के अंदर वो सी वन में है, सी वन के अंदर उसका कैरेक्टर ऑर्डर वन से मिलता है, ऑर्डर वन के अंदर वो फैमिली टू को बिलोंग करता है, फैमिली टू में वो जीनस टू को बिलोंग करता है, और जीनस टू में वो एस टू को बिलोंग करता है। ओके, अब देखिए हर ग्रुप का अपना अपना कैरेक्टर होगा, के वन का कैरेक्टर सपोज ए है, डी टू वन का कैरेक्टर सपोज बी है, सी वन का कैरेक्टर सी है, ओ वन के पास जो कैरेक्टर है वो सपोज डी है, एफ टू का कैरेक्टर ई है, जी टू का कैरेक्टर एफ है, और एस टू का कैरेक्टर हो गया जी। इसका मतलब क्या है, एकदम सिंपल, एस टू का आपको सारे कैरेक्टर्स मिल गए, तो एस टू का कैरेक्टर क्या है ए, इट शुड हैव ए कैरेक्टर, इट शुड हैव बी कैरेक्टर, सी कैरेक्टर, डी कैरेक्टर, ई कैरेक्टर, एफ कैरेक्टर, जी कैरेक्टर। ओके, इजंट इट, तो इस तरह इनडायरेक्टली आपको उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे बेसिक कैरेक्टर समझ में आ जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक फंडा, जिस तरह कैटेगरीज तैयार होते हैं, उनको अरेंज किया जाता है, इस अरेंजमेंट को कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, इसको टैक्सोनॉमिकल का हायरार्की या हायरार्कियल टैक्सोनॉमी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया या ऑलमोस्ट समराइज कर दिया कि कौन कौन से कैटेगरीज है, मूल कैटेगरी है, और बाद में एक्चुअली हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओके, और पीछे जो आपको नोट्स दिख रहा है यही आपको एक एन सी मिलेंगे। ओके, आप डाउनलोड कर सकते हो वंस द चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड, दैट इज माई वैकेंसी प्रोमिस। ओके स्टूडेंट्स, चलो इस तरह हमारा आपका बेसिक फंडा आपके सामने मैंने पेश किया है। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो कैटेगरीज, तो दिस अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम लोग यहाँ पे देखे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा आपका किंगडम है और सबसे छोटा आपका स्पीशीज है, उसके हिसाब से हम लोग क्या है क्लासिफाई किया है। ओके, तो इसको ही हायरार्कियल टैक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। बी केयरफुल, हायरार्कियल टैक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमिकल भी लिख सकते हैं या टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कहा जाता है, तो बी केयरफुल, आपको ऐसे सारे टर्म्स आ सकते हैं। ओके, एमसीक्यू बेस आपके आंसर इन यू कैन सी वन सेंटेंस टू मार्क्स के लिए आ सकते हैं अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। ओके, चलिए अब टैक्सोन किसको कहते हैं, अभी टैक्सोन किसको कहते हैं, ये कंसेप्ट यू कैन सी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे अभी हमने जो प्रीवियस देखा था, तो क्या देखा था कि हमने डिफाइन किया किंगडम। ओके, यानी कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम लोगों ने दो ग्रुप में डिवाइड किया। तो ग्रुप जो है वो कौन है आपका, पहला ग्रुप है किंगडम वन और दूसरा ग्रुप है किंगडम टू। ओके, तो ये पहला लेवल है, पहला लेवल को क्या कहलाता है किंगडम। ओके, लेकिन आप इस तरह तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो के वन एंड के टू, तो उसको भी नाम देना है। अभी इसका मतलब है किंगडम लेवल, तो किंगडम एक लेवल है, पहला लेवल है, तो लेवल किंगडम में आपके दो ग्रुप्स तैयार हो गए, इन दोनों ग्रुप्स को कहते हैं टैक्सोन। क्या कहते हैं टैक्सोन, कि दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको उनका नाम अलग रखना पड़ेगा, कौन सा ग्रुप, तो के वन जो है सपोज इट इज द प्लांट ग्रुप, प्लांट, और के टू इज सपोज द ग्रुप कॉल्ड एनिमेलिया। यहाँ पे भी देखिए जो नाम है उसको लैटिन में या ग्रीक में कन्वर्ट किया है, तो प्लांट का लैटिन वर्ड है प्लांट और एनिमल को एनिमेलिया एजेंसी कहते हैं लैटिन में। ओके, क्योंकि रूल के हिसाब से नेचुरली हर चीज जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है उसको आपको लैटिन में लिखना है। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो क्योंकि इसके लिए जो लास्ट में एजेंसी फंडामेंटल नाम मिलता है, बायोलॉजिकल नेम मिलता है, वो लैटिन में, कुछ केस में ग्रीक में एजेंसी उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो ये देखो यानी कि किंगडम आपका जो है कैटेगरी, तो किंगडम रिप्रेजेंट्स द कैटेगरी, और हर कैटेगरी के अंदर जितने भी ग्रुप्स बनते हैं, ओके, यानी कि जितने भी किंगडम्स हैं उनको इंडिविजुअल नाम दिया हुआ है। ओके, जैसे प्लांट किंगडम इज वन टैक्सोन, एनिमल किंगडम इज अनदर टैक्सोन। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक, यानी कि हर कैटेगरी का जो स्पेसिफिक ग्रुप बनता है उसको हम लोग बोल सकते हैं टैक्सोन। ओके, वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सोन। ओके, चलिए अभी कंटेंट देखते हैं, नोट्स देखते हैं। ओके, सो टैक्सोन इज अ स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टैक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ एनी रैंक इन ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि कैटेगरी तो बन गया सात कैटेगरी, तो उस कैटेगरी के अंदर वो ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है
ओके तो उसको वेल डिफाइंड किया, उसको नाम दिया है, ओके तो उसको टैक्सोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैटेगरी किंगडम, अभी फाइव किंगडम सिस्टम के हिसाब से, तो मैंने आपको पहले ही बताया था किंगडम जो है आपका कैटेगरी जो किंगडम है उसको पांच ग्रुप्स में हम लोग एक एनसी वर्ड डिफाइन कर सकते हैं। एक तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगाई एंड एनिमिलिया। और देखिए रूल कैसा है कि जब भी कोई भी बायोलॉजिकल स्टडी होता है तो जो ग्रुप बनते हैं उसको उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में डेवलपमेंट हुआ है, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब है सबसे पहला जो किंगडम तैयार हुआ वो है मोनेरा, उसके बाद में प्रोटिस्टा, फिर प्लांट, फिर फंगाई, फिर एनिमल। तो उसका भी रूल है जो नेक्स्ट वैकेंसी चैप्टर में आपको डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि फाइव किंगडम सिस्टम आपको डिटेल में स्टडी करना है। ओके तो कैटेगरी अभी देखिए, कैटेगरी सब किंगडम, अगर सब किंगडम देखेंगे प्लांट में, सब किंगडम जो है उसके दो ग्रुप्स है, एक है क्रिप्टोगैम एंड फेरेंगैम। आपको मालूम है क्रिप्टोगैम कौन सा है, अब इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स को, ओके तो फ्लावरिंग प्लांट, तो क्रिप्टोगैम्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके और सॉरी माय मिस्टेक, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिसको सीडलेस यू कैन सी व्हाट प्लांट्स भी कहते हैं, सीडलेस प्लांट्स कहते हैं, और फेरेंगैम्स जो है दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके फ्लावरिंग प्लांट या फ्लावर बियरिंग प्लांट, उसको सीड बियरिंग यू कैन सी प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है लोअर स्टैंड में कि जो प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वही सीड प्रोड्यूस करते हैं, ओके तो ये देखो, ओके तो इस तरह, तो अगर कोई यू कैन सी आपने कैटेगरी यू कैन सी डिफाइन किया है तो उस कैटेगरी में जितने भी ग्रुप्स है उनको टेक्सा कहते हैं, या टेक्स, देखिए टेक्सा ये जो वर्ड है ये प्लूरल है, सिंगल जो है सिंगल वर्ड, सिंगुलर वर्ड वो है आपका वर्ड टैक्सॉन, ओके तो टैक्सॉन वर्ड इज सिंगुलर एंड टैक्सा वर्ड इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड टैक्सॉन, क्योंकि आपके रूल्स देखिए अभी जैसे जनरल रूल इंग्लिश में क्या होता है, बॉय का प्लूरल जो होता है बॉयज लिखते हैं, इजंट इट, ओके लेकिन कुछ केस में जो है आपका प्लूरल और सिंगुलर में फर्क है, ओके जैसे यहाँ पे ए का मतलब होता है प्लूरल और ओ एन जो है ओ एन मतलब आपका सिंगुलर हो गया और ए लिखा हुआ, जैसे आपका बैक्टीरिया भी आगे देखो बैक्टीरिया में आपका सपोज बैसिलस लिखो, अगर आप बैसिलस लिखेंगे तो इट इज वन बैक्टीरिया, लेकिन अगर आप लिखते हो बैसिलाई, ओके तो इसका मतलब ये आई का मतलब ये होता है मोर देन वन, प्लूरल हो गया, ओके सो सिंगुलर प्लूरल का नेचुरल कुछ रूल्स जो है वर्ड का इन केस ऑफ बायोलॉजी या साइंस में थोड़ा सा अलग है, ओके ओके स्टूडेंट्स नाउ चलिए अभी तो इसी तरह सब किंगडम एनिमल में, ओके तो एनिमल में भी दो ग्रुप है, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ओके बिना नोटोकॉर्ड वाले और कॉर्डेट्स वाले, ये भी आपने पढ़ा है लोअर स्टैंड में, तो इन्हीं दो देखो जो आपका प्लांट के किंगडम्स है और एनिमल के किंगडम्स आपको डिटेल में आपको रिस्पेक्टिवली थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, ओके ओके स्टूडेंट्स चलिए ये हो गया आपका द टैक्सॉन। तो टैक्सॉन सिंपली मीन्स हर कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी लो उसमें जितने भी ग्रुप्स डिफाइन है हर स्पेसिफिक ग्रुप को टैक्सॉन कहते हैं, क्या कहते हैं टैक्सॉन कहते हैं, ओके तो दिस मच इन्फॉर्मेशन यू शुड नो, ओके चलिए तो एवरी टैक्सॉन सबसे नीचे वाला सेट इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन यूनिक कैरेक्टर, इसका मतलब है जितने भी ऑर्गेनिज्म मोनेरा ग्रुप में बिलोंग करते हैं उन सब में एक चीज कॉमन होगा, तो मैं आपको बता दूं मोनेरा इंक्लूड्स ऑल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया उन सब का एक ग्रुप बन गया है मोनेरा, फिर जितने भी सिंगल सेल वाले प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगस है, इंटरमीडिएट्स है, उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया है, प्लांट तो आपको मालूम है सारे प्लांट एक्चुअल प्लांट्स जिसमें एल्गी भी आता है, फंगाई आपको मालूम है सारे फंगस यीस्ट फंगस ग्रुप में, और हमारा ग्रुप आलिया फैमिली का ग्रुप एनिमेलिया ग्रुप, ओके एनिमल्स का ग्रुप स्पेसिफिक हो गया, ओके तो हमको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग दैट पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए अभी हम लोग हर ग्रुप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट्स, ओके ओके तो हम लोग मैं थोड़ा सा फंस जाऊंगा, ये जो नोट्स है आप इसको रेफर कर सकते हैं जब आपको मिलेगा, ओके चलिए तो सबसे पहले देखते हैं किंगडम मतलब क्या, ओके तो एक सिंपल तरीका है, ओके तो आपको अगर याद रखना है कि किंगडम डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, ओके तो इसको हम लोग किस तरह यू कैन सी डिफाइन कर सकते हैं, ओके देख दो एक तो मैं आपको देखो सिंपल करके बताता हूँ, ओके तो अगर आपको सिंपल फॉर्म में याद रखना है तो ये याद रखो, तो किंगडम इज द ग्रुप ऑफ, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डिवीजन, ओके डिवीजन इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर यू कैन से क्लास, फिर क्लास इज ए ग्रुप ऑफ, इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर
तो इसी तरह ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली हो जाएगा. ओके, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ, यू कैन सी वर्ड सिमिलर जीनस, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर वर्ड स्पीशीज हो जाएगा. और स्पीशीज क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप. कौन सा ग्रुप, स्मॉलेस्ट ग्रुप. ओके, तो ऐसा हो जाता है. ये एक तरीका है. दूसरा है किंगडम, एक ये एक तरीका से आप इसे डिफाइन कर सकते हो. ओके, तो दूसरा एक कॉमन स्टेटमेंट आप देखते हो तो किंगडम इज ए असेंबलेज, असेंबलेज ऑफ रिलेटेड आपका डिवीजन. ओके, ये भी आप लिख सकते हो. अभी मैं जो अभी आपको नोट्स अभी प्रोवाइड करूंगा उसमें अलग अलग तरीके से हर को डिफाइन किया गया. ओके, लेकिन एक कॉमन है. अगर आप लेकिन से आपको डिफाइन करना है किंगडम का डिफिनेशन, डिवीजन का डिफिनेशन, क्लास का, तो एक तरीका है किंगडम. खाली आपको ऑर्डर मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं शॉर्टकट बताऊंगा. ओके, तो किंगडम इज असेंबलेज, असेंबल का मतलब ये होता है ग्रुप्स. ओके, असेंबल मतलब आपने जमा किया है. ओके, रिलेटेड डिवीजन. ओके, फिर डिवीजन का फिर क्या होगा, इट इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड वर्ड क्लास, इजंट इट. क्लास इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड वर्ड ऑर्डर. फिर आपका ऑर्डर क्या है, इट इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड वर्ड फैमिली. फिर फैमिली क्या है, इट इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड वर्ड जीनस. जीनस क्या है, इट इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड वर्ड स्पीशीज. ओके, और सबसे छोटा ग्रुप जो बनता है, स्मॉलेस्ट ग्रुप या यूनिट, वो आपका स्पीशीज है. ओके, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन सी कंसेप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्पीशीज का कंसेप्ट. ओके, स्पीशीज का कंसेप्ट, इसको भी हमको स्टडी करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इस तरह तो हर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को आप सिंपल तरीके से भी क्या है डिफाइन कर सकते हैं. अभी हमको खाली एग्जाम्पल देखना है. ओके, एग्जाम्पल मतलब किंगडम के एग्जाम्पल्स क्या है, डिवीजन के एग्जाम्पल्स क्या है, क्लास के एग्जाम्पल्स क्या है. ओके, कि देखिए हर किंगडम में डिवीजन होगा. ओके, डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू क्लास, ऐसा बोल सकते हैं. किंगडम इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन, डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू क्लास, इनटू ऑर्डर, इनटू फैमिली, इनटू जीनस, इनटू स्पीशीज. अभी आपको एक मतलब जो है ऐसा हो सकता है कि डिवीजन और क्लास के बीच में क्या है, आपका सब डिवीजन. ओके, तो सब डिवीजन क्या है, तो सब डिवीजन जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर वर्ड आपका क्लास. ओके, और फिर उसके हिसाब से फिर आपका सब क्लास मिलके आपका क्या बनता है, सब क्लास मिलके आपका क्लास बनता है, सब ऑर्डर मिलके आपका ऑर्डर बनता है. ओके, इजंट इट. तो इस तरह आपको अरेंज भी करना पड़ सकता है. ओके, या कोई ब्लैंक देंगे, जैसे अगर क्लास और ऑर्डर के बीच में ब्लैंक दे दिया आपको, तो बोलोगे सर क्लास और ऑर्डर के बीच में क्या लिखेंगे, तो क्लास और ऑर्डर के बीच में अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप को हम लोग कहेंगे सब क्लास. ओके, फिर ऑर्डर फैमिली के बीच में अगर कोई ग्रुप बनाना है तो उसका नाम क्या होगा आपका, सब, यू कैन सी वर्ड ऑर्डर लाइक दिस, इजंट इट. फैमिली और जीनस के बीच में आपका जो ग्रुप बनेगा वो होगा सब फैमिली. ओके, तो इस चीज को आपको याद रखना है. ओके, क्योंकि आपको ऑर्डर दिया जाएगा. ओके, तो आपको इसके हिसाब से अरेंज करना है. सब का मतलब क्या होता है, उप, है ना, जैसे इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर, है ना, तो अगर इंस्पेक्टर फैमिली है तो आपका सब फैमिली हो गया सब इंस्पेक्टर. ओके, इजंट इट, अंडरस्टूड. अभी हम लोग एक एक करके हर ग्रुप को थोड़ा सा डिटेल में देखना है हमको. ओके, चलिए तो पहले देखते हैं किंगडम का मतलब क्या है. तो किंगडम मींस द हाईएस्ट कैटेगरी और द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. यानी कि किसी भी एनिमल या प्लांट को, किसी भी बैक्टीरिया को अगर आपको सबसे पहले क्लासिफाई करना है तो उसका सबसे पहले किंगडम डिफाइन होता है, कौन से किंगडम को बिलोंग करता है. ओके, सो किंगडम इज देयरफॉर असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फाइला इन एनिमल्स एंड रिलेटेड डिवीजन इन केस ऑफ व्हाट, प्लांट. यानी कि अगर आप प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हो तो डिवीजन, और एनिमल्स को क्लासिफाई करो तो फाइलम ग्रुप होता है. यहाँ पे देखो फाइला प्लूरल है. ओके, और उसका सिंगल हो गया फाइलम. ओके, चलिए अभी तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है. ओके, तो लेनेस के हिसाब से तो दो ही किंगडम थे. बाद में किंगडम में नेचुरली फिर देखा कि भाई फर्क है, फिर तीन किंगडम बना, फिर पांच किंगडम बना, तो वी हैव टू स्टडी फाइव किंगडम. ओके, तो टोटल देयर आर फाइव, यू कैन सी वेल डिफाइंड किंगडम्स. तो अभी हमने देखा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांट, किंगडम फंगाई और किंगडम वार एनिमल. तो इसको इस सीक्वेंस में इसके लिए अरेंज किया है क्योंकि यही सीक्वेंस से ये ऑर्गेनिज्म नेचर में डेवलप हुए थे. तो अब रैंडमली नहीं करते, तो इससे मालूम पड़ता है कि किस ऑर्गेनिज्म का रिश्तेदारी किसके साथ है. ओके, तो फिर किंगडम प्लांट जो है वो बड़ा है, तो उसको डिवाइड किया जाता है दो सब किंगडम में, फेनोग्राम क्रिप्टोग्राम में भी होता है. और सब किंगडम जो है आपका फेनोग्राम, उसको स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं क्योंकि वो सीड प्रोड्यूस करने वाले थे, उसको दो डिवीजन में कन्वर्ट किया जाता है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म. मतलब फ्रूट वाले, तो एंजियोस्पर्म हो गए फ्रूट वाले, जिम्नोस्पर्म हो गए बिना फ्रूट वाले, यू कैन सी प्लांट. ओके, तो इसको आपको डिटेल में स्टडी करना है इन द थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम में. ओके, तो इसका मतलब है डिफरेंट डिविजन हैविंग सम सिमिलैरिटी फॉर्म्स वर्ड.
सब किंगडम बनता है। फिर से बोला कि अगर एक एनसी बहुत बड़ा किंगडम बहुत बड़ा ग्रुप बन गया तो उसको डायरेक्टली डिवीजन में कन्वर्ट नहीं करते, तो सब किंगडम बनाया जाता है। ओके चलिए, फिर तो मेन फाइव किंगडम कौन कौन से उसका एक नजारा देख लेते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करना है। मोनेरा, सारे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, द फर्स्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड यू कैन सी फंगस, फिर प्लांट किंगडम, फंगस किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ओके चलिए अभी देखते हैं सेकंड ग्रुप। किंगडम इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर यू कैन सी ग्रुप्स, उसको डिवीजन कहते हैं। तो डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड फाइलम इन केस ऑफ व्हाट, एनिमल्स, जो अभी आपको बताया। तो दिस इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लास। अब देखो इसी सीक्वेंस को याद रखो, किंगडम इज द असेंबलेज ऑफ डिवीजन, डिवीजन इज द असेंबलेज ऑफ व्हाट, क्लास इज द असेंबलेज ऑफ ऑर्डर, इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली, इज द असेंबलेज ऑफ व्हाट जीनस, इज द असेंबलेज ऑफ व्हाट स्पीशीज। तो ये जो ऊपर आपको लाइन दिख रही है इसको आपको दिमाग में बिठाना है, उसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। ओके तो याद कैसे करना है सीक्वेंस में। ओके तो डिफरेंट क्लासेस हैविंग सम सिमिलैरिटी, उससे डिवीजन बनता है, ये भी एक तरीका है, यानी कि सिमिलर क्लासेस मिलके जो ग्रुप बनता है उसको डिवीजन कहते हैं। ओके जैसे अभी अगर आप प्लांट के डिवीजन को देखोगे या एनिमल के डिवीजन को देखोगे, तो प्लांट के डिवीजन जो है उसमें दो क्लासेस है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, डाइकॉट एंड व्हाट, मोनोकॉट। ओके तो यानी कि डाइकॉट और मोनोकॉट ये दोनों मिलके जो डिवीजन बनता है वो आपका एंजियोस्पर्म है। ओके इजंट इट। फिर अगर फाइलम की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं, जैसे फाइलम जो आपका कॉर्डेट है, ओके तो उसमें पांच क्लासेस है, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, रेप्टिलिया सॉरी, एव्स एंड मैमल। तो ये पांच क्लासेस है जो कॉर्डेट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इजंट इट। इसके मतलब है पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल मिल के जो ग्रुप बनता है वो आपका कॉर्डेट्स हो गया। क्या हो गया? कॉर्डेट्स हो गया। तो ये भी आपको, ये भी एक सिंपल तरीके से आपको बताया खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके चलिए, तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब अभी है जो डिवीजन है, देखिए डिवीजन जो है अगर उसको कंपेयर करेंगे, डिवीजन को किंगडम से कंपेयर करेंगे, ये भी आपको एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, डिवीजन को किंगडम से कंपेयर करेंगे तो वो किंगडम से छोटा ग्रुप है या छोटा कैटेगरी है, लेकिन क्लास से कंपेयर करेंगे तो इट इज ए बिगर एक ऐसे ग्रुप। इसके लिए देखो लास्ट जो नीचे आपको बॉटम में दिख रहा है, टेक्सोम, इट इज अ टेक्सोमिकल रैंक विच इज हायर देन क्लास एंड लोअर देन किंगडम। अब ये जो सेंटेंस मैंने आप सब यहाँ पे देखिए तैयार किया, यही आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके जैसे नेम द टैक्सोनॉमिकल रैंक हायर देन क्लास एंड लोअर देन किंगडम, यानी कि किंगडम से छोटा लेकिन क्लास से बड़ा। ओके इसके मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, ये जो ऊपर आपको सीक्वेंस दिख रहा है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसको आपको दिमाग में बिठाना है। उसका मैंने एक एकेंसी शॉर्टकट बनाया है, मैं आफ्टर एकेंसी एंड ऑफ दिस ये जो सेशन है आपको बताऊंगा। ओके चलिए अभी नेक्स्ट इज क्लास। अभी क्लास का मतलब क्या है? ओके तो क्लास इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, यानी कि अलग अलग ऑर्डर जो सिमिलर है उनको मिला के जो ग्रुप बनता है वो आपका क्लास है। ओके एंड क्लास जो है, यानी कि जनरली जब आप स्टडी करते हो तो क्लास ग्रुप तक जनरली स्टडी किया जाता है। ओके तो इसके लिए क्लास इज द मोस्ट डिस्टिंक्ट, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया, सबसे डिस्टिंक्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका एक डिस्टिंक्टिव नेम। और जनरली जब हम लोग बोलते हैं कि वो इंसेक्ट है, वो बर्ड है, वो मैमल है, वो रेप्टाइल है, वो एम्फीबियन है, तो ये जो हमने ग्रुप डिफाइन किए हैं ये सबसे प्रोमिनेंट ग्रुप्स है। ओके जिसको क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास। जैसे सारे के सारे इंसेक्ट्स उसका जो क्लास है उसको इंसेक्टा कहते हैं, सारे के सारे बर्ड्स जो है वो है एप्स, सारे के सारे रेप्टाइल्स का जो ग्रुप है वो है रेप्टीलिया। ओके तो ये जो क्लास ग्रुप है ये सबसे डिस्टिंक्ट ग्रुप है, जिसको जनरली प्लस मेन ग्रुप जो बोल सकते हैं एनिमल्स को जनरली हम लोग, एनिमल्स है प्लांट्स में, उसको हम लोग क्लास कहते हैं। ओके सो डिफरेंट ऑर्डर जिनमें सिमिलैरिटी है उससे क्लास बनता है, अभी बताया। ओके इस तरह एनिमल में भी देखिए, एनिमल में आपका जो ऑर्डर प्राइमेटा और कार्निवोरा इन सब मिला के जो क्लास बनता है वो है मैमेलिया, हमारा यू कैन सी क्लास बनता है। ओके मैमेलिया। चलिए ऑर्डर क्या है? ओके तो ऑर्डर इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिली, सेम अभी सेम वैसे हो रहा है, इज अ टैक्सोनॉमिक ऑर्डर या रैंक जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। तो यहां से नेचुरली जब नामकरण होता है, ऑर्डर का नामकरण होता है, अब देखो ऑर्डर को कोहोर्ट भी कहते हैं, तो उसका स्पेसिफिक सफिक्स से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बारे में बताऊंगा जो नीट लेवल पे आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके यानी कि जहां पे हर ऑर्डर के नाम के आखिर में एक स्पेसिफिक सफिक्स यूज किया जाता है, तो मालूम पड़ता है कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ओके तो डिफरेंट फैमिली मिल के जो ग्रुप बनता है उसको ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है, ओके एंड ये इट इज हायर देन फैमिली। ओके इसका मतलब देखो ऑर्डर जो है इट इज बिगर देन फैमिली बट स्मॉलर देन द क्लास। ओके तो ये जो सीक्वेंस आपको ऊपर दिख रहा है, फिर से बार बार बता रहा हूँ। ओके तो इसके देखो जैसे ऑर्डर पॉलीनोमेलियस। ओके अभी इसमें दिख रहा है आपको ALES, CEAE,
CEE, ये है स्पेसिफिक वैकेंसी वर्ड सफिक्स जिससे एक ऑर्डर जो है वो डिफाइन होता है। बाद में फैमिली भी देखो, फैमिली का भी, फैमिली और ऑर्डर में फर्क क्या है, ऑर्डर जनरली एंड्स विद ALES, ALES, ओके, जैसे मालवेल्स, ओके, और फैमिली जो है इट एंड्स विद CR, CI, ये प्लांट के बारे में, ओके, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। और एनिमल की बात करेंगे तो देखो फैमिली फेलिडे, कैनिडे, ओके, कैनी मतलब आपका डॉग फैमिली हो गया, और कैट फैमिली मिल के जो आपका एक ऐसे ग्रुप बनता है उसको कहते हैं कार्निवोरा, ओके, अंडरस्टूड, तो दैट इज वेरी यूनिक, ओके, यानी कि अलग अलग फैमिली जो सिमिलर है उसको मिल के जो ग्रुप बनता है वो है ऑर्डर, जिसके लिए ऑर्डर इज बिगर देन फैमिली एंड स्मॉलर देन द क्लास, ओके। तो नेक्स्ट आपका है फैमिली, ओके, कुल बोलते हैं उसको, ओके, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा, यानी कि बहुत सारे जीनस, जीनस का प्लूरल जेनरा, जीनस सिंगुलर, जेनरा प्लूरल, ओके, एंड इट इज वन ऑफ द मेजर हायरार्की टैक्सोनॉमिकल रैंक, तो उसका एग्जांपल देखते हैं अभी, and it is higher than, देखो family is higher than genus and lower than what, order, so different genus मिल के जो group बनता है उसको कहते हैं family, लेकिन उनमें similarity कम से कम एक cell similarity होना चाहिए दोस्तों, okay, जैसे family Solanaceae, देखो इधर CEAE, this represents कि वो family है, okay, इसमें आता है genus Solana, ये मतलब potato family बोलते हैं उसको, okay, then petunia, datura, फिर मालवेल्सिया, ओके, मालवेल्सिया जिसमें हिबिस्कस आपका जासमिन का फूल होता है, गॉसिपियम बॉम्बेक्स, ओके, फिर आपका फेलिडी, एनिमल की बात करते हैं फेलिडे, ओके, जिसमें जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस मतलब कैट फैमिली है आपका, ओके, ये कैट फैमिली आपका फेलिडी, कैट फैमिली अभी हमको देखना है, ओके, फिर कैट ऑल्सो बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लेपर्ड, टाइगर एंड लायन, जिसको फैमिली फेलिडे कहते हैं, तो फेलिस, ओके, और लेकिन डॉग जो है इट बिलोंग्स टू द डिफरेंट फैमिली जिसको कैनिडे कहते हैं, ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे, तो डॉग फैमिली अलग और कैट फैमिली अलग, ओके, चलिए अब देखते हो, तो दिस इज द कैट फैमिली, तो कैट फैमिली कौन कौन है, हमारे प्यारी कैट भी है, साथ में आपके जितने भी यू कैन सी कैट बोलते हैं कैट मौसी है, मौसी, ओके, तो उसके लायन, टाइगर, लेपर्ड, पैंथर, ये सब फैमिली फेलिडे में इंक्लूड होते हैं, ओके, और ये है आपका डॉग फैमिली जो बचपन से आप पढ़ते हैं, वुल्फ है, नॉर्मल डॉग हो गया आपका, ओके, रेड फॉक्स हो गया, ओके, जिकैल हो गया, डिंको हो गया, है ना, ये सब डॉग फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो डॉग फैमिली को फैमिली कैनिडे, ओके, कैनाइंस, ओके, उनके दो दांत जो प्रिवेंट होते हैं इनके उनको कैनाइंस भी कहते हैं, ओके, और फेलिडी हो गया आपका व्हाट, कैट फैमिली, ओके, चलिए अभी नेक्स्ट इज आपका जीनस, तो जीनस और स्पीशीज ये लास्ट के जो दो ग्रुप है इसी को यूज करके हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देते हैं, ओके, तो जीनस इज ए एग्रीगेट, द सेम देखो असेंबलेज की जगह पे यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया है, एग्रीगेट मतलब ग्रुपिंग और क्लोजली रिलेटेड वर्ड स्पीशीज, ओके, देखिए जीनस यहाँ पे अगर आपको ये वर्ड नहीं आता है, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ वो भी लिखेंगे, जीनस इज द एकेंसी वर्ड असेंबलेज वो भी लिखेंगे, जीनस इज द एग्रीगेट वो भी चलेगा, ओके, सो डिफरेंट स्पीशीज हैविंग सिमिलरिटी उससे जीनस बनता है, यानी कि अलग अलग स्पीशीज जिनमें सिमिलैरिटी है उससे जीनस बनता है, जैसे लायन, लेपर्ड एंड टाइगर आर द स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा, ओके, एंड दिस इज जीनस ऑफ लार्ज कैट, तो बड़े कैट जो होते हैं, बड़े कैट का जो जीनस है वो है पैंथेरा, ओके, और छोटे कैट हो गया आपका व्हाट जो नॉर्मल कैट हमारे घर की कैट होती है, ओके, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम द जीनस फेलिस, तो फेलिस इज अ जीनस ऑफ व्हाट, स्मॉल कैट, ओके, तो स्मॉल कैट मतलब फेलिक्स मतलब आपका नॉर्मल कैट, और आपका जीनस ऑफ लार्ज कैट बड़े जो कैट्स है मतलब आपका लायन, टाइगर, पैंथर, उसको पैंथेरा में रखा जाता है, ओके, तो पैंथेरा इज द ग्रुप ऑफ लार्ज कैट एंड फेलिक्स इज द ग्रुप ऑफ व्हाट, स्मॉल कैट, इन दोनों का कॉमन यू कैन सी व्हाट जो फिर आपका फैमिली है वो फैमिली आपका फेलिडे, इजंट इट, फेलिडे इज द कॉमन फैमिली, चलिए अभी उसी तरह पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल other species of genus what, Solanum, okay, Solanaceae, अभी उनका जो family है वो Solanaceae हो गया, okay, तो genus is therefore is a taxonomical rank or category larger than the species used in the biological classification of living as well as fossil organism, तो जितने भी organism fossilized रहते हैं, okay, या living fossil है, उनका naturally जो सबसे important group है वो है genus define होता है, क्योंकि genus define हो गया, मतलब आपने उसको एक जाति को define कर दिया, तो genus can be compared with a जाति, okay, चलिए तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज जिसमें क्लोज रिसेम्बलेंस होता है एक दूसरे के साथ
बट दे डू नॉट इंटरप्रेट. ये इंपॉर्टेंट है. जीनस को स्पीशीज से कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. जीनस में जितने भी स्पीशीज होते हैं वो एक दूसरे जैसे दिखते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते. ओके यानी कि देखिए आपका ये लायन लेपर्ड और टाइगर जो है दे आर द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा. लेकिन लायन लेपर्ड के साथ लेपर्ड टाइगर के साथ शादी नहीं करते. हाँ दोस्तों मालूम तो है कि ह्यूमन नेचुरली बहुत ही यूनिक है, वो इन दोनों की शादी करा देता है लेकिन लेकिन सी नेचुरल तरीके से नहीं होगा. हाँ लायन की टाइगर टाइगर से कि लाइगॉन बन गया, टाइगर की शादी लायन से कि टिगॉन बन गया. ठीक है तो इस तरह किया लेकिन दे आर नॉट यू कैन सी वॉट एबल टू इंटरब्रीड. हाइब्रिड तैयार होते हैं. ओके स्टराइल रहते हैं. ओके तो नेचर के नेचर को तो कोई भी नेचुरली इस तरह मैनिपुलेट नहीं कर सकता है. नेचर के पास अपने रूल्स हैं. ओके तो जीनस में जितने भी यू कैन सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते. ओके और इसी से हम लोग जीनस को स्पीशीज से कंपेयर कर सकते हैं. ओके तो इसका मतलब है इट इज द ग्रुप हायर देन स्पीशीज एंड लोअर देन व्हाट फैमिली. तो ये याद रखना है जीनस से बड़ा फैमिली और जीनस से छोटा स्पीशीज. अब वो ग्रुप अभी हमको पढ़ना है. इस पर थोड़ा सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए. कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज. स्पीशीज मतलब प्रजाति. प्रजाति किसको कहते हैं. ओके तो प्रजाति को स्मॉलेस्ट या लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है. तो स्पीशीज इज द प्रिंसिपल मतलब मेन नेचुरल टैक्सोनॉमिकल यूनिट रैंकिंग बिलो जीनस एंड इज डिनोटेड बाय लैटिन बायोनोमियल. ओके इसको लैटिन शब्द से बायोनोमियल और इसी बेसिस पे हमको साइंटिफिक नेम मिल जाता है. एंड इट इज कंसिडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपका नीट लेवल पे आता है. हु इज द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. जैसे बोलते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ओके देखो टिश्यू भी एक यूनिट है लेकिन वो हायर है. फिर आपका ऑर्गन भी एक यूनिट है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेकिन वो हायर है. सबसे बेसिक कौन है सेल है. तो इसी तरह क्लासिफिकेशन में सबसे रियल बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो आपका है स्पीशीज. ओके तो उसका डेफिनेशन क्या है. तो ये हो गया नेचुरली वो स्पीशीज का शुरुआत में जो डेफिनेशन था वो थोड़ा अलग था जिसके बारे में देखेंगे. फाइनली स्पीशीज को डिफाइन कैसे किया गया. यानी कि अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. यानी कि ये सारे एनिमल्स या प्लांट जो है एक दूसरे के जैसे दिखते हैं. ओके उनके सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे जैसे दिखते हैं. चलिए ये एक बात हो गया. साथ में दे शुड बी एबल टू इंटरब्रीड. यानी कि वो आपस में शादी यू कैन सी करते हैं. दे आर एबल टू मैरी विद ईच अदर. दे आर एबल टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडर नेचुरल कंडीशन. दैट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ह्यूमन ने अल्टीमेटली बहुत सारे जो इंटरब्रीडिंग किया है वो आर्टिफिशियल तरीके से करता है जिससे जनरली जो एनिमल्स या प्लांट तैयार होते हैं वो हाइब्रिड होता है लेकिन वो स्टराइल रहते हैं. एंड उसके बाद में थर्ड है कि दे शुड बी एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. स्टूडेंट ध्यान दीजिए इस चीज को. स्पीशीज आप किसको करोगे. यानी कि अगर मैंने आपको 10 बंदे दे दिए और आप बोलोगे कि सर वो स्पीशीज है तो वो स्पीशीज तभी होंगे. तो उसमें पहला है कि ये सारे बंदे दे शुड बी मॉर्फोलॉजी के सिमिलर एक जैसे दिखने चाहिए. देन दे शुड बी एबल टू इंटरब्रीड और इंटरब्रीड के बाद ओके दे शुड बी एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. उनके बच्चे पैदा होने चाहिए. दे शुड बी ऑल्सो फर्टाइल मतलब वो भी शादी करने लायक होने चाहिए. ओके अभी इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे अभी अगर आप एक घोड़े और गधे को स्प्रे पेंट कर दोगे व्हाइट कलर का तो दूर से लगेगा. अभी देखो तो घोड़ा और गधा दोनों दे आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर. इजंट इट दे आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर. ओके है कि नहीं. घोड़ा गधा हो गया ज़ेब्रा तीनों को आप एगेंसी लाइए तीनों को स्प्रे पेंट कर दीजिए तो ओके तो दे विल बी सीन कॉमनली तो आपको मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर दिखेगा. ओके बट डू दे इंटरप्रेट विद ईच अदर. घोड़ा गधे के साथ शादी करता है क्या. ज़ेब्रा गधे के साथ शादी करता है क्या. नहीं करते. नेचुरल कंडीशन में नहीं करते. और आपने अगर आर्टिफिशियल तरीके से उनको शादी कर उनका करा दिया तब क्या होगा. बच्चा पैदा होगा लेकिन वो इनफर्टाइल रहेगा. ओके इनफर्टाइल रहेगा मतलब दे विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस. ओके यानी कि इसके लिए घोड़ा घोड़े के साथ गधा गधे के साथ और आपका ज़ेब्रा ज़ेब्रा के साथ एक इंसी रिप्रोड्यूस करते हैं नेचुरल कंडीशन में. ह्यूमन ने करके दिया इनका आपस में. ओके तो जैसे जोंकी ज़ेब्रा और डोंकी का शादी किया बन गया जोंकी. ओके और सबसे कॉमन जो किया है वो है घोड़े की शादी गधे के साथ की. ओके जैसे बना आपका म्यूल. क्या बना म्यूल. ओके जो हाइब्रिड होते एंड दे आर इनफर्टाइल. ओके तो फिर से बताना है आपको बहुत ही जरूरी स्पीशीज सिंपल. अगर मैं सेंटेंस बताऊं स्पीशीज का द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर दे शुड बी एबल टू इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड दे शुड बी प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ओके यानी कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंटरब्रीडिंग स्पीशीज एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. ओके अगर पैदा होते हैं तो उनको स्पीशीज कहते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट इज द लोएस्ट टैक्सोनॉमिकल रैंक लोअर देन जीनस. सबसे छोटा ग्रुप आपका स्पीशीज हो गया. ओके स्टूडेंट्स
अब ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बोला, द एजेंसी जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने ज्यादा करके बायोलॉजी का नॉलेज किया था, ओके, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? स्पीशीज का डेफिनेशन सबसे पहले लिनेस ने दिया था, ओके, तो उनके हिसाब से तो स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। इसके हिसाब से, यानी कि लिनेस के हिसाब से आपका घोड़ा और गधा एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, तो उसको मॉर्फो स्पीशीज कहते हैं, ओके, मॉर्फो स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओके। फिर बाद में डार्विन ने इस कंसेप्ट को चेंज किया, तो उन्होंने बोला नहीं, खाली मॉर्फोलॉजी सिमिलर नहीं चलेगा, दे शुड बी एबल टू इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, यानी कि ग्रुप ऑफ, यानी कि 10 बंदे दिए, वो सब आपस में शादी कर रहे हैं, मतलब वो आपके क्या है, ट्रू स्पीशीज है, ओके, जिसको डार्विन ने बताया। और फिर अल्टीमेटली इन दोनों डेफिनेशन को मिला के बन गया आपका, यू कैन सी व्हाट, द मॉडर्न कंसेप्ट। तो ये है आपका मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, ओके, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज का डेफिनेशन दिया है। तो ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज, तो उसमें एक चीज ऐड हुआ है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर मतलब आपका लिनेस के हिसाब से, इंटरब्रीडिंग मतलब आपके डार्विन के हिसाब से, साथ में एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये हो गया मॉडर्न कंसेप्ट। फिर से बताऊंगा, क्योंकि मैं बार बार इसके लिए बताऊँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्पीशीज का मतलब ही नहीं समझते, ओके, जैसे अभी देखो बटरफ्लाई है, हम लोग बटरफ्लाई, बहुत सारे बटरफ्लाई है और हर बटर जितने भी टाइप्स है वो सब अलग अलग स्पीशीज है, वो अलग अलग स्पीशीज के हैं, क्योंकि ओके हर बटरफ्लाई का जो एक पर्टिकुलर वैरायटी है वो दूसरे बटरफ्लाई के साथ शादी नहीं करता है। अभी ह्यूमन में इतने सारे वैरायटी है, काले है, भूतिया है, करेक्ट, अंडरस्टूड, ठीक है, तो नाटे है, गोरे है, सब है, इतने सारे, तब भी हम सब एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, होमो सेपियन। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण यह है कि आप दुनिया के किसी भी एक ह्यूमन को लो, उसकी शादी दुनिया के किसी भी दूसरे ह्यूमन से आप कर सकते हो, हाँ, मतलब एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, ओके, और वो शादी करेंगे, मतलब ओके, मतलब दे शुड बी एबल टू इंटरब्रीड, और शादी करने के बाद दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस व्हिच विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस अगेन, करेक्ट हो, समझा? तो सारे ह्यूमन देखो, दे आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, ओके, चाहे वो गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, बुटके हैं, जो भी है, हेडेड है, लेकिन दे आर एबल टू इंटरब्रीड। लेकिन सपोज अभी तो हम लोग सब एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, फ्यूचर में अगर ऐसा हो गया, सपोज ऐसा हो गया कि अभी देखिए, अभी आपको मालूम है इंटर रिलीजन मैरिज होता है, इंटर कास्ट मैरिज होता है, इंटर कंट्री मैरिज होता है, इंटर लैंग्वेज मैरिज होता है, ओके, अभी बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, अभी अगर ऐसा हो गया फ्यूचर में कि ब्लैक पीपल इफ दे आर मैरिंग विद व्हाइट पीपल, सपोज इट इज हैपनिंग, ऐसा होने लगा कि व्हाइट पीपल इफ दे आर मैरिंग विद द, यू कैन सी व्हाट, ब्लैक पीपल एंड दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ सम रीजन, कुछ चेंजेस आ गया, ओके, तो इसका मतलब है कि व्हाइट पीपल और जो ब्लैक पीपल है दे आर नाउ बिकमिंग टू डिफरेंट ह्यूमन स्पीशीज, ओके, ऐसा हो जाएगा। और ऐसा अगर रिपीट हो रहा है, यानी कि अभी क्या हो रहा है, अभी तो ऐसा नहीं है क्योंकि ब्लैक पर्सन कैन मैरी विद द व्हाइट पर्सन और से नेचुरली यंग वन तैयार होते हैं आफ्टर मैरिज, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा हो गया कि ब्लैक पीपल इफ दे आर मैरिंग विद व्हाइट पीपल दे आर नॉट एबल टू इंटरब्रीड या नॉट एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, तब हमें ये कैन से समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन में इवोल्यूशन हो गया है, दो ह्यूमन अभी तैयार हो गए, तो फिर आपको फिर कैसे करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन, तो एक का नाम आप रख देंगे होमो सेपियन गोरिया, एक को रख देंगे होमो सेपियन कालिया, अंडरस्टूड, तो ऐसा आपको दो स्पीशीज बनाना पड़ जाएगा, ओके, तो फिर क्या होगा, होमो सेपियन गोरिया आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे और होमो सेपियन कालिया आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, तो ह्यूमन के फिर दो स्पीशीज कहलाएंगे, ओके, अब भी लेकिन ह्यूमन के एक ही स्पीशीज है, वो है होमो सेपियन सेपियन इन द ट्रू सेंस, ओके, उसके बाद में हां जो वैरायटी है उसको हम लोग रेसेस कहते हैं, ओके, ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्पीशीज को कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ओके, जो बहुत ही बड़ा लास्ट टाइम में देखा था, सेम एग्जांपल जो आपके एजेंसी टेक्स्ट बुक में भी है, ओके, जैसे आपका मैंगो, तो मैंगो का जीनस नाम है मैंगीफेरा, उसका स्पेसिफिक एपिथेट मतलब उसका एडजेक्टिव है इंडिका, इसके लिए मैंगीफेरा इंडिका का इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ओके, तो लास्ट टाइम में देखा था, तो पोटैटो सोलैनम ट्यूबरोसम, फिर टोमेटो सोलैनम लाइकोपर्सम ब्रिंजल, वो भी सोलैनम जीनस, देखो यहाँ पे जीनस इन चारों प्लांट्स का एक है लेकिन स्पीशीज अलग अलग है, ओके, तो इसके लिए देखो पोटैटो आपका टोमेटो के साथ शादी नहीं करता है, टोमेटो ब्रिंजल के साथ शादी नहीं करता, लाइन, ओके, इज द बिग कैट पैंथेरा ग्रुप, बिग कैट टाइगर, बिग कैट पैंथेरा, लिपर्ड बिग कैट पैंथेरा, लेकिन ये अलग अलग स्पीशीज है, लियो है ना, लियो लाइन, टिग्रिस मतलब टाइगर, पार्डस मतलब आपका लिपर्ड, ओके, यानी कि इसके लिए आपका लाइन टाइगर के साथ, टाइगर लिपर्ड के साथ, यू कैन सी व्हाट, शादी नहीं करते हैं, ओके, फिर अभी तक माना जाता था, अभी एक सबसे रिसेंट की स्पीशीज वर थॉट टू बी इंडिविजुअल, पहले माना जाता कि स्पीशीज लास्ट ग्रुप है, इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, एंड जो सबसे पहले डेफिनेशन था, स्पीशीज वॉज फाउंड टू बी स्टेबल, मतलब उनमें चेंजेस नहीं आता है और वो स्टैटिक है, मतलब वो फिक्स रहता है, लेकिन
अभी हमने देखा है कि स्पीशीज में भी वेरिएशंस होता है, जैसे ह्यूमन की बात करते हैं ओके, तो मॉडर्न जो सबसे मॉडर्न टैक्सोनॉमी का है, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं, हम लोग तो बेसिक पढ़ रहे हैं, तो स्पीशीज के भी फिर ग्रुप बनाए जाते हैं, सब स्पीशीज वैरायटीज है ना, जैसे रेसेस मैंने बोला ओके, वो हो गया आपका यू कैन सी मोस्ट मॉडर्न यू कैन सी स्टडी हो जाता है, ज्यादा डीप में बाल की खाल निकालनी पड़ती है, लेकिन हमको उतना स्टडी नहीं करना है, आपको खाली स्पीशीज लेवल तक स्टडी करना है ओके, अंडरस्टूड। इसका देखिए मैंगीफेरा इंडिका, उसके कितने वैरायटी है महाराष्ट्र में, 20,000 मैंगो की वैरायटी है, 20,000 वैरायटीज ऑफ मैंगोज आर प्रेजेंट इन इंडिया, खाली इंडिया में 20,000 वैरायटी है मैंगो के ओके। चलिए फिर से देखते हैं, तो फिर से याद रखना पड़ेगा, तो किंगडम इज डिवाइड इनटू डिवीजन, इज डिवाइड इनटू क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अभी याद कैसे रखेंगे उसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ एक ओके। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे है सफिक्स का एक थोड़ा सा नॉलेज, बेसिक नॉलेज ओके आपको दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एडिशन करने वाला हूँ, ताकि एक पोइम जैसा बनता है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आपका जो क्लास और ऑर्डर के बीच में, तो जनरली क्लास और ऑर्डर के बीच में एक और ग्रुप तैयार कर देते हैं, सॉरी एक मिनट, तो क्लास और ऑर्डर के बीच में जनरली प्लांट्स में ग्रुप तैयार होता है, उसको कहते हैं सीरीज ओके, जो मॉडिफिकेशन होके सब क्लास, अभी वो सब क्लास कहते हैं, तो इसको खाली ऐड करना है आपको खाली इधर ओके, क्योंकि अगर आपको सीरीज आ गया, गलती से आपको सीरीज पूछा गया, तो सीरीज जो है क्लास और ऑर्डर के बीच का स्टेज है, तो उसके हिसाब से अगर मैं इधर लेबल करूंगा तो ऐसा हो जाएगा कैसा, तो याद रखिए पोएम ऐसा है, किंगडम डिवीजन क्लास सीरीज, याद रखिए किंगडम डिविजन क्लास सीरीज, ये एक स्टैंजा हो गया, किंगडम डिवीजन क्लास सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, किंगडम डिवीजन क्लास सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, किंगडम डिवीजन क्लास सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ओके। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यस किंगडम डिवीजन क्लास उसके बाद का सीरीज है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज उसके बाद का सीरीज है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो किंगडम डिवीजन क्लास सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ओके। तो इस तरह आप याद कीजिए ओके, तो वेरी इंटरेस्टिंग, तो आपको सीक्वेंस याद रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस पे एक डेफिनेट क्वेश्चन नीट पे भी आता है, हर साल आता है ओके। चलिए अभी देखो, तो हायर ग्रुप अभी इसमें है, अगर ग्रुप बड़ा ग्रुप है तो उसमें ज्यादा जनरल कैरेक्टर होंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होंगे क्योंकि वैरायटी ज्यादा होगी, और जो ग्रुप छोटा ग्रुप हो गया उसमें ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे, इसका मतलब है जीनस इज मोर स्पेसिफिक देन फैमिली, फैमिली इज मोर स्पेसिफिक देन ऑर्डर, ऑर्डर इज मोर स्पेसिफिक देन क्लास ओके, यानी कि क्लास में कैरेक्टर ज्यादा जनरल है, ऑर्डर में ज्यादा स्पेसिफिक होगा, ऑर्डर और फैमिली को कंपेयर करेंगे, ऑर्डर में ज्यादा जनरल कैरेक्टर है, फैमिली में ज्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि ऑर्डर इज डिवाइडेड इनटू फैमिली इजंट इट ओके। चलिए तो जीनस एंड स्पीशीज, फाइनली ये जीनस और स्पीशीज नेम जो है इसी को यूज करके यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम दिया जाता है, जो अभी देखा था, और लेफ्ट साइड पे आपको जो दिख रहा है ये है आपका प्लांट से रिलेटेड ओके, कि प्लांट का किंगडम को कोई डेफिनेट सफिक्स नहीं है, डिवीजन जो है ओके, तो उसमें फाइटा ने तो स्पर्मा यूज किया था, अब ये मॉडर्न के हिसाब से ओके, कि फाइटा यूज किया जाता है, ना तो स्पर्मे यूज करते हैं, क्लास अगर है तो एनएई या ऑप्सिडा यूज किया जाता है, ऑर्डर है तो एल्स यूज किया जाता है, फैमिली है तो एसीए एशिया यूज किया जाता है, और जीनस ऑफ स्पीशीज को कोई डेफिनेट सफिक्स नहीं है, तो ये आपको यू कैन सी याद रखना है नीट लेवल पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन सी, क्योंकि अगर आपको एक टैक्सोन का नाम बता दिया तो आपको पहचानना है कि वो क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, अगर नाम के आखिर में ए सी ई है मतलब एशिया है, मतलब वो फैमिली है, एल्स है मतलब वो ऑर्डर है, निया है ना तो ऑप्सिडा है, मतलब वो क्लास है ओके, और स्पर्मा और फाइटा दिया हुआ मतलब वो डिवीजन है ओके, तो इस तरह आपको आइडेंटिफाई यू कैन सी करना पड़ेगा ओके। चलिए अब हम लोग थोड़ा एग्जांपल देखते हैं कि चाइना रोज, मतलब प्लांट का एक एग्जांपल लेते हैं चाइना रोज, और कोबरा का एग्जांपल लेते हैं जो एनिमल का है ओके, तो इसमें आपका क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा, उसका साइंटिफिक नेम भी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देंगे ओके। तो एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको सिस्टमिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी हो जाएगा इसमें ओके, यानी कि चाइना रोज का किंगडम कौन सा है, कोबरा का किंगडम कौन सा है, चाइना रोज का डिवीजन कौन सा है, कोबरा का फाइलम कौन सा है ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है। तो चाइना रोज ओके, तो चाइना रोज जो है जासवंत कहते हैं, गणपति बप्पा का फूल है वो ओके, और आपका कोबरा, तो हम लोग जो अरेंज करेंगे, देखिए अभी ये चीज भी है कि आपको जो क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा तो किस ऑर्डर में, अगर ऑर्डर पूछा है तो सॉरी बी केयरफुल, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे में अरेंज करना है, और दूसरा भी पूछ सकते हैं, उल्टा भी पूछ सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं ओके, तो डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में आपको अरेंज करना है, तो अभी हम लोग डिसेंडिंग जो नॉर्मल तरीका है डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं। तो कैटेगरी टैक्सोन, तो यहाँ पे आपका रिविजन भी हो रहा है, टैक्सोन का मतलब क्या होता है,
कैटेगरी का मतलब क्या होता है, तो टेक्स आपको मालूम है, तो कैटेगरी अभी देखो दोनों का, तो चाइना कोरोस का किंगडम है आपका प्लांट और आपका कोबरा का है एनिमेलिया. ओके, इसका मतलब देखो नॉर्मल वर्ड क्या होना चाहिए, तो प्लांट होना चाहिए और एनिमल होना चाहिए, जनरल बोलते हैं प्लांट किंगडम, यानी कि चाइना रोज बिलोंग्स टू द प्लांट किंगडम, कोबरा बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम. लेकिन ये लैटिन में कन्वर्ट करना है दोस्तों, लैटिन में, तो लैटिन में प्लांट लिखते हैं प्लांट, प्लांट हाँ, उसको प्लांट प्रोनाउंस करते हैं, प्लांट आई नहीं बोलना. ओके, और ये एनिमेलिया मतलब आलिया फैमिली, तो हम लोग सब आलिया फैमिली को बिलोंग करते हैं. ओके, फिर डिविजन या फाइलम, तो अभी प्लांट की बात करेंगे, तो चाइना रोज बिलोंग टू डिविजन एंजियोस्पर्म है और आपका कोबरा जो है इसको फाइलम है आपका कॉर्डेटा. ओके, क्लास डाइकोटिलेडोन है और टेक्सोन आपका एजेंसी कोबरा का जो आपका क्लास है वो है रेप्टिलिया. यानी कि देखो अभी ऐसा कोबरा जो है उसका टेक्सोन, क्लास का टेक्सोन है रेप्टिलिया, डिवीजन ऑफ फाइलम का टेक्सोन है कॉर्डेटा, किंगडम का टेक्सोन है एनिमेलिया. ओके, तो इस तरह कैटेगरी मतलब वो स्पेसिफिक रैंक है, कौन सा लेवल है. किंगडम में कोबरा का टेक्सोन एनिमेलिया है, डिवीजन या फाइलम में कोबरा का टेक्सोन कॉर्डेटा है. ओके, सब क्लास दिया हुआ है. ओके, फिर सीरीज है, देखो प्लांट में सीरीज भी यूज किया जाता है, फिर ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और लास्ट में स्पीशीज का ग्रुप. अभी इसमें दिख रहा है प्लांट में ऑर्डर एल्स, फैमिली एशिया. ओके, और आप अगर एनिमल का देखोगे तो एनिमल के फैमिली जो है वो एंड होता है डी ए ई से, डे. ओके, फेलिडे जो आपने देखा, फैमिली फेलिडे. ओके, फिर आपका कैनिडे. ओके, ये सब हमने देखा अभी. ओके, चलिए अभी जीनस और स्पीशीज, ये लास्ट के जो दो ग्रुप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन दो ग्रुप के नाम को यूज करके हम लोग साइंटिफिक नेम देते हैं. तो उसके हिसाब से आपका चाइना रोज का साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस और आपका हाउ टू प्रोनाउंस दिस देखो. ओके, तो इसका मतलब देखो, तो कोबरा का जीनस और स्पीशीज है ये किस लैंग्वेज से लिया है आपका, नाग. हाँ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, तो एक्चुअली कोबरा मतलब नाग होता है, इज़न्ट इट. ओके, एक मिनट, तो जो इंटरेस्टिंग बात हमने पढ़ी थी. ओके, तो कोबरा, सॉरी, जो पढ़ी थी, क्या बोला था, कोबरा को हम लोग बोलते हैं नाग. ओके, नाग, तो उसके हिसाब से यहाँ पे नाजा लिखा हुआ है, ये नाजा नहीं है, भले वो स्पेलिंग आपको नाजा लग रहा है लेकिन बोलने के टाइम पे उसको नाग ही पढ़ेंगे, नागा नागा. ओके, इसे नाजा नाजा नहीं है, नाजा नाजा नहीं, वो आजा आजा हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. तो यानी कि कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाग नाग. ओके, नाग नाग, और आपका चाइना रोज का साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस. ओके, और आपका नाग नाग. ओके, अगर आपको थोड़ा ये बेसिक आकर मालूम होगा कि भाई हम लोग जब हिंदी किसी भी वर्नैक्युलर नेम को लिखते हैं आपके इंग्लिश में, जैसे राम आपको लिखना है राम. ओके, तो कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में लिखने के टाइम पे उसको रामा लिखते हैं और उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है ना, इटैलिक्स में. ओके, तो वर्नैक्युलर नेम को जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो उसको देखो ये हो गया, उसका इंग्लिशीकरण हो गया, राम राम रामा. ओके, जैसे शिव लिखते हैं, शिव आपका नॉर्मल हम लोग जब लिखते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में लिखेंगे तो शिवा. ओके, ऐसा लिखेंगे, इज़न्ट इट. ओके, तो दीज आर सम ऑफ द रूल व्हिच इज फॉलोड ड्यूरिंग राइटिंग इन ए पर्टिकुलर एजेंसी व्हाट लैंग्वेज. ओके, चलिए, तो वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज. तो अल्टीमेटली आपको क्या दिखता है कि हिबिस्कस जो है उसका नाम है चाइना रोज का नाम है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस एंड कोबरा का नाम है नाजा नाजा नहीं दोस्तों, नाग नाग. ओके, नाग नाग. अब अगर आप लिखते हैं तो नेचुरली आपको अंडरलाइन करना पड़ता है दोनों वर्ड्स को. ओके, तो रूल्स स्पेसिस में जो जीनस का नाम है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, बाकी सब लेटर स्मॉल. और यहाँ पे भी देखें, नाग पहला एन खाली कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है. ओके, तो इस तरह हमारा बाइनोमियल हो गया. तो इसी को बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, प्लांट का है तो बॉटनिकल नेम कहते हैं और एनिमल है तो उसको जूलॉजिकल नेम कहते हैं. ओके, चलिए अब लोग ह्यूमन की बात करेंगे. तो ह्यूमन का टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है. ओके, तो ह्यूमन का किंगडम कौन सा है, तो कैटेगरी पर, कैटेगरी के हिसाब से कौन सा टैक्सोन में है. तो ह्यूमन का किंगडम है एनिमेलिया, पहले बताया, हम लोग भी एक ऐसी उसी किंगडम को बिलोंग करते हैं जिसमें आपका नाग नाग है. ओके, तो फाइलम हमारे भी कॉर्डेटा है. ओके, फिर क्लास हमारा मैमेलिया है. देखो नाग नाग का जो क्लास था वो रेप्टिलिया था, हमारा है मैमेलिया. ओके, फिर ऑर्डर हमारा प्राइमेट्स है जिसमें बंदर एप्स इंक्लूड होते हैं, आंखें बाहर जो सामने की तरफ होती है, बड़ी बड़ी आंखें, गोल मोटोल आंखें, वो सब प्राइमेट. ओके, और दूसरा है बॉडी में पूरा बाल होता है और चेस्ट रीजन में मेमोरी ग्लैंड्स होने, ये प्राइमेट ग्रुप को बिलोंग करता है. फिर फैमिली हमारा है होमिनिडे, सीधा खड़ा होने की एबिलिटी वाले एनिमल्स जिसमें एप्स और ह्यूमन है. ओके, होमिनिडे में ह्यूमन और एप्स को रखा गया है. फिर जीनस है हमारा होमो,
ऑफ ए स्पीशीज एज सेपियन, तो लास्ट के दो जो ग्रुप है जीनस और स्पीशीज, इसको यूज करके हमारा बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम, सब अल्टरनेट टर्म्स है। तो अल्टीमेटली यू कैन सी, तो रेस्पेक्ट के हिसाब से तीन टर्म का होगा होमो सेपियन लिन, क्योंकि लिन नाम के साइंटिस्ट ने आपको बताया था लास्ट टाइम 90% ऑर्गेनिज्म्स को क्या है, नाम दिया गया। ओके चलिए अब इंपॉर्टेंस देखते हैं कि हायरार्किकल टैक्सोनॉमी करने का इंपॉर्टेंस क्या है। तो कुछ तो देख लिया हमने कि भाई नामकरण किया जाता है, लेकिन उससे एक कॉन्क्रीट ग्रुप बनता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके जैसे इंसेक्ट का एग्जांपल देते हैं, इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इतने सारे वैरायटी है इंसेक्ट्स में, लेकिन उनमें कॉमन चीज है कुछ तो भी, जैसे कॉकरोच है सबसे स्टैंडर्ड यू कैन सी एग्जांपल जो आपको इस साल पढ़ना है, कॉकरोच का स्टडी करना है। तो इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ओके क्योंकि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में इंसेक्ट सबसे बड़ा ग्रुप है जिसको आपको एनिमल किंगडम में पढ़ना है। तो थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स सारे इंसेक्ट में ये चीज कॉमन है, साथ में होता है उनके पास तीन थोरैसिक सेगमेंट्स होते हैं। ओके तो इट मींस दैट इंसेक्ट आर रिकॉग्निजिबल, तो आसानी से आप लोग इंसेक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे आप बोलोगे, मैं आपको बोलूंगा स्पाइडर क्या है, स्पाइडर इंसेक्ट है, इंसेक्ट जैसा दिखता है लेकिन उसका ग्रुप इंसेक्टा नहीं है, उसको एरेक्निडा ग्रुप में रखा गया है। ओके उसको क्लास अलग रखा गया है क्योंकि उसके पास चार जोड़ी पैर रहते हैं। ओके तो इंसेक्ट वो रहेगा जिसके पास तीन जोड़ी पैर होने चाहिए। ओके एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी कॉल इंसेक्टा, जो इंसेक्ट ग्रुप प्रॉपर इंसेक्ट ग्रुप वो है जिसके पास तीन जोड़ी लेग्स रहते हैं। अदरवाइज जनरली बोलने के टाइम पे हम लोग क्या है, देखिए अपना स्पाइडर को उसको बोलते हैं कीड़ा है, इंसेक्ट है। ओके इज ए कीटक है, लेकिन नहीं, स्पाइडर जो है वो इंसेक्टा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। ओके तो कुछ ऐसे ग्रुप अभी आपको मालूम है, चलो दो ग्रुप का लेते हैं हम लोग, जैसे क्लास एव्स मतलब बर्ड ग्रुप, ओके और आपका क्लास मोनोकॉटिलेडॉन। ओके तो व्हाट इज क्लास एव्स, तो लास्ट टाइम बताया था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक एनिमल मैंने छुपा दिया और मैं उसको दो कैरेक्टर बताता हूँ कि उसमें बीक भी है और फेदर भी है, मतलब 100% वो बर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है। तो दैट इज अ टू यूनिक फंडामेंटल फीचर ऑफ एव्स। फिर आपका मोनोकॉट में आपको मालूम है, ओके दो टाइप के एंजियोस्पर्म्स होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। डाइकॉट मतलब दो, यू कैन सी व्हाट, ओके मोनोकॉट यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया स्टूडेंट्स, टू वन होना चाहिए, तो जस्ट कंसीडर दैट वन कोटिलेडॉन होता है सीड में और पैरेलल वेनेशन होना चाहिए आपके पत्ते में। ओके तो दिस इज द फीचर ऑफ मोनोकॉट। तो यहाँ पे आपको खाली थोड़ा ध्यान देना है, टू की जगह पे यहाँ पे वन होना चाहिए। ओके चलिए फिर अब देखते हैं, अभी आपको सिस्टमेटिक करते हैं कि पूरा लिविंग वर्ल्ड, ये पूरा लिविंग वर्ल्ड है, ओके इसको आपको डिवाइड करना है अलग अलग ग्रुप्स में, तो कैसे करते हैं। ओके तो सबसे पहले किंगडम डिफाइन किया, ओके तो भी क्या कि ये पूरा लिविंग वर्ल्ड जो आपको दिख रहा है, ओके फ्रेम में पूरा लिविंग वर्ल्ड है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, सपोज तीन किंगडम में डिवाइड कर दिया, तो कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फिर किंगडम में देखूंगा क्या सिमिलैरिटी है, डिफरेंसेस है। देखो अभी इसमें यह दिख रहा है कि एक किंगडम बहुत बड़ा है, एक छोटा है, एक बहुत छोटा है ग्रुप है, वो डिपेंड करता है कि वैरायटी। फिर किंगडम को डिवाइड करेंगे डिवीजन में, तो ये देखो मैंने हर किंगडम को डिवीजन में डिवाइड कर दिया, यानी कि बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स। ओके फिर डिवीजन को स्टडी करूंगा, फिर उसको डिवाइड करूंगा, तो डिवीजन को मैंने डिवाइड कर दिया क्लास में, यानी कि बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स। तो ये जो पिंक वाला है ये आपका क्लास ग्रुप्स हो गया। ओके फिर क्लास को स्टडी करूंगा, इसको स्टडी किया, इसको स्टडी किया, इसमें डिफरेंसेस दिखा तो मुझे ऑर्डर मिलेगा, तो ऑर्डर वाले बॉक्स बन गए। फिर ऑर्डर को स्टडी किया तो फैमिली बन गया। ओके तो ऑर्डर, हर ऑर्डर को मैंने डिवाइड कर दिया है इनटू ग्रीन बॉक्सेस मतलब फैमिली। फिर फैमिली को डिवाइड करेंगे, स्टडी करेंगे तो जीनस बन गया, तो ये एक जीनस है, ये दूसरा जीनस है, देखो हाँ। और फिर जीनस को स्टडी करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग स्पीशीज मिलेंगे, जो सबसे छोटा ग्रुप बन जाएगा जो ट्रायंगल से दिखा है। तो इसके क्या हो गया, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है उसको एक स्पेसिफिक पोजीशंस मिल जाता है, यानी कि देखो इसका मतलब है, ये देखो ये जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज इस जीनस को बिलोंग करता है ना, ब्लू जीनस को, ये ब्लू जीनस इस गरे हरे है फैमिली को बिलोंग करता है, वो इस ऑरेंज ऑर्डर को बिलोंग करता है, वो इस पिंक एकेंसी क्लास को बिलोंग करता है, वो इस ग्रे डिवीजन को बिलोंग करता है, फिर उस ये लाइट ग्रीन किंगडम को बिलोंग करता है। तो इस तरह क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म को आप लोग हर लेवल पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट लेनियस मेथड ऑफ व्हाट क्लासिफिकेशन, जिसमें सात ग्रुप है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो सीरीज को जानबूझ के डाला है, ओके क्योंकि लेनियस ने सबसे पहले क्लास और ऑर्डर के बीच में सीरीज ग्रुप को डिफाइन किया था, जो आज सब क्लास में हम लोग उसको रखते हैं। ओके तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ओके ये आपको याद रखना है। ओके अभी ये आपका टेक्स्ट बुक में है। ओके तो हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन आपको आ सकता है, मैंगो का आ सकता है, वीट का आ सकता है, ये आपका टेक्स्चुअल है। ओके तो आपको ये भी पूछ सकते हैं स्पीशीज कौन सा है। ओके
अब यहाँ पे जो हमने अभी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी दिया है, अभी यहाँ पे मैंने उल्टा कह दिया है, हो सकता है आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछे, ओके? तो इसको आप स्टडी कर लीजिए, ओके? जैसे हाउस फ्लाई का स्पीशीज है डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, ओके? फिर मैंगो का आपको मालूम है इंडिका इज अ स्पीशीज, मैंगीफेरा इज द जीनस, वीट का है एस्टिवम और जीनस है ट्रिटिकम। तो बाकी सब आप स्टडी कर सकते हो, ओके? तो यही आपको नोट्स मिलेगा आपको। तो बायोजन नेम अभी क्या होगा, तो हाउस फ्लाई का है मस्का डोमेस्टिका का लिन, एंड मैंगो है मैंगीफेरा इंडिका लिन, और आपका बीट है ट्रिटिकम एस्टिवम लिन, ओके? तो इस तरह देखो, तो यहाँ पे जानबूझ के मैंने टैक्सोन कैटेगरी को असेंडिंग ऑर्डर में एकेंसी लिखा है, ओके? और आप नेचुरली इसको प्रिपेयर करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि आप, मैंने आपको बोला कि आपको ऑर्डर उल्टा पुल्टा भी पूछा जा सकता है, ओके? चलिए अभी समरी आज का जो है, तो टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इन डिस्टिंक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन रूल्स एंड प्रिंसिपल, जो आपका लिनिस ने स्टार्ट किया था, फिर साइंटिस्ट ने फिर उनमें थोड़ा सा चेंजेस किया, ऐसे ही जो आपका केमिकल एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, ओके? डॉबर इनर से फिर न्यूलैंड से आपका एक एनसी मेंडले, उसके बाद में आपका मूजली, ये मॉडिफिकेशन होते हुए आज का मॉडर्न कंसेप्ट एक एनसी तैयार हुआ है, ओके? तो ये आपके सारे किंगडम्स और सारे ग्रुप्स है, ओके? अलोंग विद द सब ग्रुप्स। फिर टैक्सोनॉमी का हायरार्की, हायरार्कियल टैक्सोनॉमी मतलब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर या सीक्वेंसेस ऑफ देयर रैंक, उसको हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। तो नॉर्मल जो अरेंजमेंट होता है वो बड़े से छोटे की तरफ होता है, ओके? लेकिन आपको क्वेश्चन जो पूछेगा वो उल्टा भी पूछा जा सकता है, ओके? और फिर स्पीशीज किसको कहते हैं, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, दे कैन इंटरब्रीडिंग, दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, इस ग्रुप को जो बनता है उसको स्पीशीज कहते हैं, जिसको अर्न्स्मेयर ने क्या है सबसे पहले डिफाइन किया था, ओके? चलिए अब थोड़े से एमसीक्यू ले लेते हैं आज के टॉपिक्स पे, 5 एमसीक्यू लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, ओके? ये सारे एमसीक्यू आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसमें से मैंने एक एनसी लिया है। तो चलिए देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर ट्राइट्स, ट्राइट्स मतलब कैरेक्टर्स, ओके? या फीचर्स ऑफ, देखो यही अल्टरनेट टर्म्स आपको मालूम है, लेकिन अगर आपको ट्राइट मालूम नहीं है, शब्द मालूम नहीं है, तो नेचुरली आपको कुछ वैकेंसी यू विल नॉट बी एबल टू गेसेस करेक्टली, ओके? तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर ट्राइट ऑफ एनी रैंक, रैंक मतलब आपका कैटेगरी, तो हर कैटेगरी में जो स्पेसिफिक ग्रुप्स बनता है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो क्या कहते हैं, नेचुरली उसको टैक्सोन कहते हैं, यानी कि टैक्सोन इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी। तो एक कैटेगरी मतलब किंगडम में एक स्पेसिफिक ग्रुप बनता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंगस, ओके? उसको टैक्सोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, रियल बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, अभी बताया, रियल बेसिक यूनिट और सबसे छोटा टैक्सोन जो है कौन है, तो कंफ्यूज करने के लिए दूसरे वर्ड डाल दिए, देखो वैरायटी डाल दिया, स्ट्रेन डाल दिया, तो मालूम है करेक्ट आंसर इज आपका स्पीशीज। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर हाउस फ्लाई, अभी हमने देखा, ओके? तो ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि हाउस फ्लाई के हिसाब से उसका फैमिली क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, ओके? तो वेरी इजी, अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जब आपका ये आपका थ्योरी में भी ऐसा क्वेश्चन था, मैं जो कॉलम कीजिए, तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो सबसे पहले उस टर्म का मैचिंग कीजिए, तो 100% आपको मालूम है कि वो करेक्ट है। जैसे यहाँ पे सबसे इजी क्या है, आप तो फाइलम आर्थ्रोपोडा है हाउस फ्लाई का, और क्लास इंसेक्टा है, बाकी दो में शायद आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, ओके? लेकिन क्लास तो 100% इंसेक्टा है और फाइलम इज 100% आर्थ्रोपोडा, तो इन दोनों को यूज करके आपके ऑप्शन में चेक कीजिए, उसके हिसाब से आपका राइट आंसर है आपका बी, ओके? फिर आपको बाकी में, तो फैमिली कौन सा है आपका, फैमिली इज आपका मस्किडी, ओके? तो डे ई डी ए ई मतलब फैमिली, एनिमल में नेचुरली फैमिली एंड्स विद द सफिक्स डी ए ई डे, ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस, जीनस से कम जनरल कौन है, ओके? तो व्हिच इज लेस जनरल मतलब मोर स्पेसिफिक, वो है स्पीशीज, ओके? तो लेस जनरल मतलब मोर स्पेसिफिक, ये रखे जनरल और स्पेसिफिक, तो लेस जनरल मतलब इट विल बी मोर स्पेसिफिक, ओके? तो जो बड़ा ग्रुप है वो ज्यादा जनरल होता है, छोटा ग्रुप कम जनरल होता है, मतलब वो ज्यादा स्पेसिफिक होगा, ओके? चलिए लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टू करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो 4 सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इसमें आपको 2 करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए तो पहले देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वो गिवन बाय अर्न्स्ट मेयर, करेक्ट है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर को लिनियस ने दिया था, ये भी करेक्ट है।
इसका मतलब ए और बी करेक्ट है दो सेंटेंस, बाकी के दो रॉन्ग होना चाहिए, कंफर्म कीजिए. ऑर्डर इज द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी लोअर टू फैमिली, नहीं, ऑर्डर इज द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी लोअर देन व्हाट, क्लास से छूटा है. मोस्ट डिस्टिंक्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जीनस नहीं, मोस्ट डिस्टिंक्ट कौन था क्लास था, जीनस इज नॉट द मोस्ट डिस्टिंक्ट. क्योंकि जनरली हम लोग कॉमनली जब ग्रुप को असाइन करते हैं एनिमल्स प्लांट्स को, तो हम लोग क्लास को डिफाइन करते हैं क्लास के बारे में. जैसे वो बर्ड ग्रुप है मतलब वो क्लास है, वो मैमल है मतलब वो क्लास बता रहे हैं. ओके, तो इसके लिए करेक्ट आंसर है आपका ए एंड बी. ओके, तो इस तरह आज का सेशन कंप्लीट हुआ दोस्तों. ओके, कुछ मॉडल क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, इसको आप यू कैन सी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलिए तो अभी सेम जाते जाते कि कौन से 10 एस्पेक्ट को आपको ध्यान देना है, तो फिर से आपके सामने आ रहा है रिवीजन की तरह. ओके, इसको आप देख लीजिए और इसके हिसाब से आपका प्रिपरेशन. और अगर आप नीट कर रहे हैं और विजन 2020 के बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन कंसेप्ट को ही हमें डिटेल में स्टडी करना है. तो मैं आपको उसका गाइडेंस भी दूंगा. ओके, जब सेशन स्टार्ट होगा. ओके, और फिर डोंट फॉरगेट टू हैव द फॉलोइंग, PCMB को भूलिए मत, पैशन, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड बिलीफ जरूरी है टू सक्सीड. ओके, इन एवरी फील्ड, किसी भी फील्ड में जाने तो ये चार चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है. ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन हो गया यहाँ पे कंप्लीट. नेक्स्ट सेशन में वी विल कंप्लीट द चैप्टर 1.4, लास्ट का टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, सॉरी टैक्सोनॉमिकल कीज, उसको हमको पढ़ना है. ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और फिर आपको नोट्स भी नेक्स्टली मिलेंगे. ओके, ऑन द यू कैन सी ऐप. तो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन विद टीम अजुमंत्रा. सीखो दिल से दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट, कंस्ट्रक्टिव कमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों. ओके, ताकि और भी बेटर वीडियोस हम लोग बना सके आपके लिए. ओके, और कंटेंट जो आपको चाहिए एडिशनल, वो भी आप सजेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग वीडियोस बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय फॉर टुडे, टेक केयर.